वैराज रेडी स्टार्ट करें। फे मां, नाम में मां है पर सबका बाप है। घर पे छोड़ के आए, आज दूरदर्शन पढ़ाएगा। नहीं, दूरदर्शन ज्यादा होमवर्क देता है। दर्शन सर थोड़े से रहम दिल है। चलो स्टार्ट करें। ओके, आर यू गाइस रेडी? ओके, चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी है ना है, चुप बोलो, हर हर महादेव। आगे स्टार्ट करते हैं आंगना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कोई हंसेगा नहीं नालायक मेरी तरफ देख के। सर अभी ये मत पूछना ऐसी क्या मजबूरी थी करके, ऐसी क्या मजबूरी थी सर जो आपने ऐसा किया? हाँ सुनोगे? ओके ओके, ऐसा ध्यान देना। बैठ जाओ, चलो फास्ट टेक योर प्लेसेस एवरीबॉडी, लगन धार लो, बदल। ओके, तो ऐसी क्या मजबूरी थी आपको बताए? पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा सिचुएशन रहता था, दाढ़ी की बात कर रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सिचुएशन होता था कि इफ अ पर्सन गेट ऑफ द एज ऑफ यू नो 12 इयर्स के आसपास या 13 इयर्स के आसपास, जब पुबर्टी लेवल हिट होता है, विषम और दुनिया सतरंगी बन जाती है एकदम, है ना? तुम जब 13 साल के हुए तो फर्स्ट टाइम जिंदगी के अंदर तुमको, कुछ लोग बहुत जल्दी बड़े हो गए, फिर मैक्सिमम लोग मतलब जब 13 साल के हुए, तो इंडिया में ऐसा सिस्टम होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से एक तो तुमको गुरुकुल भेज दिया जाता था घर से बाहर रहने के लिए, एंड स्पेसिफिकली आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग या एजुकेशन दिया जाता था फॉर ईयर्स। उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एजुकेशन के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो होती थी कि आपने 13 इयर्स तक के खुद की जो पर्सनालिटी बनाई है उसको आप एवरी सिंगल 14 डेज के अंदर तोड़ो, सो दैट तुम्हारे अंदर जो पर्सनालिटी या ईगो तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ ज्वाइन होता है वो ईगो भी साथ साथ में टूटता रहे। क्योंकि हमारा ईगो हमारे पर्सनालिटी की वजह से, हमारा ईगो इस वजह से, मैं जैसा दिखता हूं उस वजह से ईगो है, मैं जो बात करता हूं उस वजह से ईगो है, मैं जो काम करता हूं उस वजह से ईगो है, मैं जो चीजें खाता हूं पीता हूं उस वजह से ईगो है। सो इन द सिस्टम इट वॉज अ रिचुअल कि एवरी 14 डेज इट इज चेंज्ड, मतलब इस 14 डेज में अगर तुम कुछ स्पेसिफिक चीजें फॉलो कर रहे हो तो नेक्स्ट 14 डेज में उसको चेंज कर दिया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम ऐसा सिचुएशन होता था कि एवरी 7 मंथ्स इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, आपका जो अपियरेंस है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता था। अभी भी कुछ जगह पे, कुछ आश्रम वगैरह में अभी भी ऐसा सिचुएशन है कि एवरी सिंगल एकादशी, एकादशी के एक दिन पहले
एवरी सिंगल जो भी अभी गुरुकुल सिस्टम फॉलो करते हैं, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल एकादशी मंडे बिफोर वो खुद का पूरा हेड शेव कर लेते हैं। रीजन बिहाइंड दैट इज कि तुम तुम्हारी जो पर्सनालिटी कैरी कर रहे हो और पर्सनालिटी के अटैच जो ईगो कैरी कर रहे हो वो दोनों चीजें तुम भूल जाओ। आपको पता है तिरुपति बालाजी के अंदर हेड शेव करने का पूरा प्रपंचा क्यों है? यहां तक के बहुत सारे देवियों को भी केश अर्पण किया जाता है, ठीक है? तो ये क्यों रिचुअल, ये क्यों बनाया गया है? द रीजन बिहाइंड द रिचुअल इज फॉर गॉड या सम फॉर इफिशियंट एनर्जी, नॉट ओनली गॉड, हिंदू में ही क्यों, सभी धर्मों में प्रविधान है। सो फॉर सम हायर एनर्जी यू आर ऑफ सच ए सरेंडर लेवल कि तुम खुद का जो पर्सनैलिटी है, खुद का जो ईगो है वो ड्रॉप कर रहे हो। मतलब तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी से ज्यादा हायर एनर्जी प्यारी है, तुम्हें तुम्हारे पर्सनैलिटी से ज्यादा तिरुपति बालाजी प्यारे, तुम्हें तुम्हारे पर्सनैलिटी से ज्यादा देवी, तुम्हारे तुम्हारी पर्सनैलिटी से ज्यादा अल्लाह प्यारे, तुम्हारी तुम्हारी पर्सनैलिटी से ज्यादा जीसस क्राइस्ट प्यारे है। एंड फॉर हिम यू सरेंडर समथिंग, तो तुम सबसे अच्छी चीज क्या सरेंडर कर सकते हो? तो दैट इज तुमने जो इतना अपियरेंस क्रिएट किया है, तुमने जो इतना अपियरेंस कैरी किया है, तुमने इतना जो ईगो कैरी किया है, उस अपियरेंस, उस दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो तुम जब जिस दिन ड्रॉप करते हो तो उस दिन तुम्हारा ईगो शांत होता है। अब तुम्हारे ऊपर पांच लोग हंसते हैं, क्या कर लिया, एंड यू शुड टेक इट स्पोर्टिंगली, तुमने वो चीज को स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। हाँ दिख तो मैं वैसे ही छू ही रहा हूं, ठीक, आई ऑल्सो नो दैट, बट दिस इज अ रिचुअल कि तुम बैड चीजों को भी स्पोर्टिंगली उठाओ। इससे बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। आपको शायद नहीं पता, हम नॉर्मली मैं और विजय सर तिरुपति जाते थे, हर बैच शुरू होने के पहले तिरुपति जाते थे, ये बैच के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर हम जब भी तिरुपति जाते थे तो दो से तीन बैचेस ऐसे होंगे जब हम क्लीन हेड शेव करके आते थे, ठीक है? दो से तीन बैचेस में इट वॉज हैपन कि हम जाते थे दो तीन बार क्लीन हेड शेव करके, वो भी बैच के स्टार्टिंग में एंटर के, और ऐसे एकदम पूरे ऐसे हैं हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर है, जिसके अंदर हम थोड़े से गंजे से दिखते हैं, थोड़े से क्या पूरे गंजे से दिखते। सो दिस सिग्निफाइज व्हाट, कि तुम्हारा ईगो या तुम्हारा अपीयरेंस जिससे तुम्हारा ईगो सबसे ज्यादा अटैच है, तुम्हारा ईगो अभी तुम्हारे पास क्यों है मुझे एक बार बताओ। तुम अभी जितने अच्छे दिख रहे हो, कल जाके तुम्हारा सबका टकला कर दिया, तो यू विल फील बिट ऑफ अशेम्ड, ठीक है? फिर भी अच्छा क्या, तू अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा भिखारी, फिर तो बात की बात दूसरी है, ठीक है? सो यू विल फील बिट अशेम्ड, तुम ऐसा थोड़ा सा अशेम फील करोगे। और मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, दैट टाइम आप ये अपीयरेंसेस ड्रॉप करते हो, आप ये अपीयरेंसेस स्पॉइल करते हो, उस टाइम पे आपका ईगो सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि आपके बेसिक पर्सनैलिटी का पार्ट टूटता है। तो नॉर्मली हमारे अब घर पे देवी है, अब देवी के लिए तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें करते हैं, इट इज अ कॉन्सेक्रेटेड देवी, तो उसको कुछ तो भी कमिट करना होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो मैं पूरी नवरात्रि पूछ रहा था क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एंड में मेरे को कुछ ही जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने बोला जो एटलीस्ट अपीयरेंस है उसको तोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो एकदम टकला नहीं करके आया, नहीं तो तुम मेरे को मारते थे, ठीक है? चलेगा ना, मजा आएगा। सो आई कैन अंडरस्टैंड, सो व्हाट वी डिड इज थोड़ा सा उल्लू सा दिखने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट अपना ईगो जगह पे आ जाए, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना, एंड आई विल टेल यू, ये ट्राई करना तुम अगर कभी भी किधर भी जाओ। अब लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है, बट यू कैन हैव योर ओन परम्यूटेशंस, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के अंदर, ठीक है? पर मैं आपको एक और चीज बोलता हूं लड़कियों के लिए खास, शांति रखना, सुनना दो मिनट के लिए, सुनना है तो नहीं तो मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं। हाँ, तो दो मिनट के लिए शांति से सुनना, ठीक है, बिना बातें किए। ऐसा आपको लगता है कि सिर्फ लड़कों के साथ ये चीज होती है? अब मैं नॉर्मली कुछ आश्रम वगैरह विजिट करता हूं, एंड आई विल टेल यू वन ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं बहुत सारी जगह पे घुमा हूँ, ओशो आश्रम घुमा हूँ, विपश्यना बुद्धालय में घुमा हूँ, इगतपुरी गया हूँ, मतलब जहाँ मेरे को स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट में जो छोटी सी चीज़ मिले मैं चला जाता हूँ। तो एक बार मैं नीचे गया था कोयम्बतूर ईशा आश्रम में, एंड वन डे आई वॉज डूइंग अ साधना। वहाँ पे बहुत सालों से रहने वाले कुछ साधु और साध्वी होते हैं, ठीक है? एंड आई विल टेल यू, देर वॉज वन पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं वो मतलब वहाँ हम रूम बुक करने के लिए बुक करते हैं,
पर वैसे मैं वो आश्रम में किधर भी गार्डन में, जमीन पे, रास्ते पे, किधर भी पढ़ा रहता हूँ। मतलब रूम सिर्फ नाम के लिए बुक रहती है, मैं उधर गार्डन में आके सो जाऊँगा, चबूतरे पे सो जाऊँगा, वो ध्यान लेंगा उसके आगे सो जाऊँगा, देवी टेम्पल के आगे सो। तो जिधर मेरे को मन किया उधर सोते, जहाँ पे अलाउड है चबूतरा वगैरह है ऐसी जगह, जाके रास्ते में दरवाजे में नहीं सोता है, ठीक है। सो वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, आई वाज डूइंग शांभवी, मेरा नॉर्मल रिचुअल जो चल रहा था। मॉर्निंग में मैं उठा, शांभवी वगैरह शक्ति चलन मैंने किया, एंड देयर वर सम सर्कमस्टेंसेस इन द आश्रम की जहाँ पे तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्स्ट होती है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कुछ इशू हुआ, ठीक है, कि भा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहा था, तो मेरे को लगा मैं निपट ही जाऊँगा। तो फिर आई कॉन्टेक्टेड सम गुरु साधु, एंड उन्होंने वो मेरे को एक जगह पे लेके गए, वहाँ पे एक साध्वी थी। आई विल टेल यू द ब्यूटी, द ब्यूटी, शी वॉज शॉलो डार्क, ठीक है, क्लीन हेड शेफ, टोटल क्लीन हेड शेफ साध्वी, आंख के ऊपर शॉल लपेटी हुई, ठीक है, और इतनी सुंदर दिख रही थी। आई एम नॉट सेइंग एनी वल्गर थिंग लाइक सेक्सी समथिंग ना, आई मीन टू से खूबसूरत, ठीक है, शी वॉज वाइब्रेंट। उसको ऐसे देखो तो एनर्जी आउटबर्स्ट हो उसका, कि शी इज सो वाइब्रेंट कि तुम उसके सानिध्य में दो मिनट रहो ना तो भी तुम खुद ही शांत हो जाओ। कितने भी तुम कैसे भी हो तो यू विल फील लाइक ओके फाइन, कुछ तो अच्छा है, ठीक है, एंड नॉट इन एनी वल्गर मैनर। और मैंने ऐसे एक दो लोग देखे हैं वहाँ पे, नॉट ओनली साध्वी, साधु भी, दो तीन 30-35 साल के एज वाले, गोरे चिट्टे से, खास करके फॉरेनर एक दो जो वहाँ पे आके रहते, गोरे चिट्टे, टोटल क्लीन हेड शेफ, एक टीका लगाया रहता है, आंख पे पूरी शॉल रहती है और सिर्फ खड़े रहते हैं, एंड दे आर सो वाइब्रेंट, सो वाइब्रेंट। तुम कभी अगर जा पाओ और वहाँ पे रह पाओ और तुम कभी ऐसे लोगों से मिल पाओ तो 2-3 मिनट इनके सानिध्य में रहना, यू विल फील व्हाट इज पीस। तुम दो तीन वो, अब उसके साथ मेरे प्रॉब्लम से तो आई वॉज शेयरिंग, तो मैं प्रॉब्लम शेयर करते करते 2 मिनट बाद भूल गया, आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर कि हाँ अच्छा लग रहा है। सो दिस इज वॉट इज, दिस इज हाउ, मतलब मेरे लिए, आई कैन बी रॉन्ग, फॉर मी परफेक्ट इम्प्रेशन ऑफ ह्यूमन, पूरा क्लीन हेड शेफ, एक सिर्फ शॉल लपेटी हुई, टीका मेरे को अभी भी याद है, ब्राउन कलर की शॉल लपेटी हुई, शैलो डार्क दिखने वाली लड़की, ठीक है, माइट बी, मेरे को बहुत यंग लग रही हो रही, मेरे को तो लग रहा होगा 25-26 साल की होगी, बट शी माइट बी ऑफ 30-35 ईयर्स ऑफ एज, एंड प्रोबेबली क्योंकि साध्वी बनने के लिए बहुत समय लग जाता है। सो ही, शी वॉज लाइक शैलो डार्क, वन इतना वाइब्रंट, टोटल एनर्जेटिक कि मतलब तुम उसके साथ में बैठ जाओ तुम शांति जीवन में। सो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। सो इफ सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन डू दिस, ठीक है, अभी तुमने एक अपीयरेंस मेरी बुक के कवर के ऊपर देख रहे थे, सो दैट वॉज अ रिचुअल, जब मैं बाल नहीं काट सकता था बिकॉज आई वॉज इन स्पेसिफिक साधना, फिर नॉर्मली मैं जैसे पहले रहता हूँ वैसा, और ये एक आधी बार ऐसा उल्लूगिरी कर देता हूँ जीवन में तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना। तो अगर तुम्हें कोई चांस मिले, ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आश्रम में है, देर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया, देर आर जैन टेम्पल्स, देर आर कैथलिक चर्चेस, जहाँ पे तुमको स्पिरिचुअलिटी से आउटबर्स्ट वगैरह बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ फास्ट। Are you guys ready? लाइव स्ट्रीम में जीडीपी में सबको हरर महादेव। चलो एवरीवन इज सेटल्ड। हाँ क्या लॉकी टेस्ट,
मॉडल आंसर शेयर करूंगा आज मैं तुमसे, डोंट वरी। तुम्हें टेस्ट सबमिट नहीं करनी, खुद ही चेक कर, ऑब्जेक्टिव है ना, सिंपल। फर्स्ट टेस्ट के आंसर पेपर्स आ गए हैं एट लास्ट, ठीक है। सेकंड टेस्ट के भी आने में ही है, एक दो दिन में, आज कल में आ जाएंगे। अच्छा, आने वाले सैटरडे को टेस्ट है, पता है ना क्या क्या किया? शेयर कैपिटल एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लगे रहना, ठीक है, छोड़ना मत। आर यू गाइस रेडी? गाइज बोलो हम्बा। ओके, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं फेमा। ओके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, फोकस। कैसे रही आपकी कल की छुट्टी? मजा आया जीवन में? ऐसी पहली क्लीन छुट्टी लेके जिस दिन कोई क्लास नहीं। सर मैं तो बता रहा हूं, मैं जो बेड में घुसा सर, मतलब मैंने बेड को ऐसे सर ऐसा, मतलब क्या ही बताऊं सर, मैं बेड की इज्जत लूट ली मैंने सर। चलो स्टार्ट करो, बोला है ना। ओके, सो गाइज गाइज चले शुरू करते हैं, ध्यान देना, फोकस फोकस। अरे बच्चों, अभी हम हैं फेमा में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, वो सब फैन वैन लाइट वाइट ट्यूब वूब सब बस, सब ठीक है। पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, जो फैन लाइट ट्यूब के लिए उठा वो सीधा बाहर जाएगा। लेट्स गो। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पूछो क्या? फेमा के अंदर एक दिन पहले हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, पर हमको तो 15 मिनट भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंड जैसे मैं बोलूं, भले ही फेमा में मां लिखा हो पर चैप्टर सबका बाप है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, अच्छा जोक था, तालिया, वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बहुत अच्छे से ध्यान देना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में मैंने आपको एक सबसे पहले वाहियात सा एग्जाम्पल दिया था, वॉटर टैंक का, बोलो हाँ है ना। और फिर मैंने आपको मेंशन किया था, ऐसे वाटर टैंक के जैसा ही गवर्नमेंट का खुद का एक टैंक होता है, उसे कहा जाता है गवर्नमेंट एक्सचेकर, ठीक है। क्या कहा जाता है, बोले बाजू से, गवर्नमेंट एक्सचेकर। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में गवर्नमेंट एक्सचेकर का एक जो आपका गवर्नमेंट है उसका काम होता है कि गवर्नमेंट एक्सचेकर के अंदर सबसे ज्यादा बैलेंस रहे। क्या रहे, बोले बाजू से, बैलेंस। एंड ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट एक्सचेकर के मेंटेनेंस के लिए हमने फेमा बनाया है, सो दैट हमारे पास डॉलर छलकते रहे। फिर हमने फेमा का हिस्ट्री देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था हमारा सबसे पहला लॉ था फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया था, बनाया ब्रिटिशर्स ने था, वो बहुत रिजिड लॉ था, उसके अंदर आपको कोई भी डॉलर वगैरह दिए नहीं जाते थे। फिर उसके बाद में सेकंड लॉ आया इंदिरा गांधी के राज में, दैट इज फेरा 1973, जिसके अंदर आपको डॉलर दिए जा सकते थे पर नेसेसिटी की चीजों के लिए। और फिर उसके बाद में हमारा आया लिबरलाइजेशन स्कीम के बाद में, ट्रेड वगैरह के साथ में जो कोऑपरेटिव लॉ था, दैट इज फेमा, जो लाया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में। पर उसके लिए पहले लिबरलाइजेशन की जो स्कीम्स थी वो पीवी नरसिम्हा राव ने कैरी कर ली थी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि फेमा का हमारा रिजर्व पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी के राज में 314 बिलियन डॉलर तक के पहुंच गया, और अभी फेमा की वैल्यू नियरली आपकी 500 से 600 बिलियन के आसपास चलती है। नाउ ये हिस्ट्री देखने के बाद हमने डिफरेंस देखा था फेरा और फेमा का। हमने देखा था फेरा वॉज अ क्रिमिनल लॉ, फेमा इज अ सिविल लॉ। फेरा में आप कोई भी ऑफेंस करते हो तो आपको क्रिमिनल जैसा ट्रीट किया जाएगा, पर फेमा में अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो तो आपको सिविल ऑफेंस माना जाएगा। दूसरा, फेरा के अंदर ट्रांजैक्शंस को नाम नहीं थे, पर फेमा के अंदर ट्रांजैक्शंस को नाम दिए हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। फेमा के अंदर ट्रांजैक्शंस, फेरा के अंदर ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड थे जब तक परमिटेड नहीं थे। फेमा के अंदर ट्रांजैक्शंस क्या है, सब जन बोलो, ट्रांजैक्शंस क्या है, परमिटेड, अनलेस अनलेस क्या, बोले बार, प्रोहिबिटेड। फिर हमने देखा था फेरा कैसा लॉ था, रिजिड था या लिबरल था, रिजिड। फेमा कैसा लॉ था, सब जन बोलेंगे कैसा था, लिबरल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में हमने देखा था फेरा इज रिजिड रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, एंड दूसरे इसमें फेमा इज रिगार्डिंग डिस्क्लोजर। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को उस दिन सवाल पूछा था लाइव स्ट्रीम में भी कि सर व्हाट इज फेरा फेमा इज रिजिड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, तो मैं मेंशन कर दूं, फेमा में आपको डॉलर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है फेमा में आपको डॉलर नहीं मिलेंगे, फेमा में आपको डॉलर मिल जाएंगे, फॉरेन करेंसी मिल जाएगा, पर आपको डिस्क्लोजर सही देना है, आपको सच्चाई बोलनी है। झूठ बोल के अगर आप डॉलर लोगे तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आप अगर डिस्क्लोजर सही दोगे तो आपको कोई भी डॉलर लेने से रोक नहीं सकता।
क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। और इस वजह से फेमाइज रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, डॉलर तो मिल जाएगा, डॉलर में रेगुलरिटी है, पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है, एनीवेज पैसा तुमको ही खर्च करना है, तुम्हारे रुपीज के खिलाफ ही डॉलर देने वाले, बोलो हाँ है ना। लेकिन आपने डिस्क्लोजर सही देना है। क्या सही देना है बोले एक बार, डिस्क्लोजर। नेक्स्ट वाली चीज, फेरा में 81 सेक्शंस थे, फेमा में 49 है। निगेटिव मेंसरिया फेरा में था, फेमा के अंदर निगेटिव मेंसरिया नहीं है। क्वांटम ऑफ पेनल्टी 5 टाइम्स था, फेमा के अंदर क्वांटम ऑफ पेनल्टी कितना है? 3 टाइम्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुन लो, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना। तो ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, समझ में आया। अब फेरा और फेमा का डिफरेंस होने के बाद में हमने अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अथॉरिटी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, उसके कितने मिनिस्ट्रीज है बोले एक बार से? 2। पहला मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स। उसके अंदर हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री के अंदर कौन है बोले एक बार? आरबीआई। साथ में कौन है? ऑथोराइज पर्सन। मुझे बता सकते हो ऑथोराइज पर्सन कौन कौन बन सकता है बच्चों? जोर से बोलो कौन कौन बन सकता है? नेशनलाइज बैंक, 5-स्टार होटल्स। अरे याद है क्या? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। ये चीज होने के बाद में हमने देखा था जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी के 5 लेवल्स है। सबसे पहला 5 लेवल, असिस्टेंट डिप्यूटी डायरेक्टर, दूसरा डायरेक्टर जनरल, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। फेमा का अथॉरिटी स्ट्रक्चर होने के बाद हम गए थे फेमा की अप्लीकेबिलिटी। बिना देखे ऊपर देखो, मुझे फेमा की स्ट्रेट अवे अप्लीकेबिलिटी बोलो। सबसे पहले कहां अप्लाई होगा? वॉल ऑफ इंडिया, मतलब पीआरआई इंडिया में ट्रांजैक्शन करा है, फेमा अप्लाई हुआ है। पहले एक पकड़ो सब जन हाथ दिखाओ, 1। दूसरा उधर बेटा घुंघराले बाल ध्यान। दूसरा कौन सा है? दूसरा तू ही जो पानी पी रहा है, रख नीचे बोल। दूसरा कौन सा है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। दूसरा कौन सा है? पीआरआई अगर देश के बाहर जा रहा है तो उसको क्या एप्लीकेबल होगा? फेमा। तीसरा पीआर हुआ है, तीसरा था इंडियन पीआरआई का बाहर ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है, ओन्ड और कंट्रोल, तो उसे फेमा अप्लाई होगा। चौथा पीआरओआई इंडिया आ रहा है तो उसको फेमा अप्लाई होगा। लेकिन पीआरओआई को बाहर फेमा अप्लाई होगा क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि इंडिया में अप्लीकेबल है इसलिए पीआरओआई इंडिया में आएगा तो भी उसको फेमा अप्लाई हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ ना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबडी यस और नो? चलो ये चीज को याद रखना। आज मैं फेमा में बढ़ रहा हूं आगे और बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज आज हम फेमा में लेने वाले हैं, ठीक है। ये मार्किंग कर लिया है सबने? बोले सर ना। अब फेमा के अंदर बच्चों तुम्हें बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं। अगर आप आ जाओ पेज नंबर 1.8 पे तो आपको दिखेगा। आलेखा आले सगले सगले आले ओके। फेमा के अंदर आपको बहुत सारे डेफिनेशन दिख रहे होंगे, दिख रहे, पर उसमें से पहले 2 डेफिनेशन पढ़ के देखो, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। जितना मूड बना होगा पूरा खराब हो जाएगा। बेटा गार्डन नहीं है, जल्दी बैठो, क्या चल रहा है टाइम पास? ये तुम ना अगले 7 दिन भूल जाओ। तुम, मैं पहले ही बोला, तुम कॉन्शियस नहीं रहोगे मैं रिजिड हो जाऊंगा, सीरियस रहना शुरू कर दूं। बोलो हाँ या ना। शांति से पढ़ना या मैं एकदम जैसे पढ़ाना चाहिए ईमानदारी से पढ़ाओ, ठीक है। मैं अभी भी रिवीजन में देख रहा था, बहुत सारे बच्चों का ध्यान ही नहीं था, खुद का कुछ तो भी टाइम पास चल रहा था, खुद का कुछ तो भी चीजें चल रही थी। 2 तरीके से चीज हो सकती है। एक तो मैं चुपचाप पढ़ाऊ फेमा निकल लू, उसके बाद में तुम्हारी जो लगेगी उसकी कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। या फिर दूसरा, तुम कॉन्शियस हो जाओ और मैं ईमानदारी से इसको हंसते खेलते हुए पढ़ाऊ। तीसरा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट रह सकता हूं और तुम्हारी हालत में हाथ डाल के फेमा बना सकता हूं। पहले में और तीसरे में बहुत दर्द होगा। पहले में दर्द होगा लाइफ टाइम के लिए, तीसरे में दर्द होगा क्लास के लिए। दूसरा बेटर ऑप्शन है, इसलिए खुद कॉन्शियस रहो। जब डेफिनेशन पढ़ने को बोल रहा हूं, बैग लेके इधर उधर घूम रहा है पागल जैसा, अक्कल नहीं है क्या? इंपॉर्टेंस चल रहा है लेक्चर का करके। इसके बाद में मेरे को नहीं लग रहा तुमसे सीरियसनेस मेंटेन होगा, ठीक है। तो आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, ठीक है। ये चैप्टर के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारा सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ रहा है तो लेट्स से करते हैं, ठीक है। मैं रिविजन कर रहा था, चल रहा है ये पेन गिन रहा है पागल जैसा, उधर किस तो भी
कांड चल रहा है इधर, हाँ ये उठ बैग लेन बाहर जा जल्दी अर्जेंटली, तुमको समझ में ही नहीं आता, उठ बैग ले और बाहर जा जल्दी। अब यहां से यही होगा, ठीक है, जिसको फेमा नहीं पढ़ना है बैग लेने का बाहर जाने का, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, आइडिया क्लियर। मतलब जब झाप रहा हूं तब भी उसको अक्कल सूझ नहीं रही कि नहीं चुपचाप एक जगह पे बैठने का, ठीक है। अब इसके बाद में किसी ने कुछ भी किया, मेरे को मालूम है कि तुम मेरे को अगले 7 लेक्चर बहुत गलिया दोगे, एक्सेप्टेड अब बीच, ठीक है, लेकिन टॉपिक मिस होता हुआ मैं देख नहीं सकता, ठीक है, वो ज्यादा गलत हो जाएगा। मतलब एग्जाम तक के गाले खाने से अच्छा अगले 7 लेक्चर खा लो, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो इसके बाद यही होगा, ठीक है, बेटा बैग ले बाहर जा जल्दी, उठ बैग ले बाहर जा अर्जेंटली, उठ बैग ले और बाहर जा, मैं कुछ बोलने ही नहीं वाला, उठ बैग ले और बाहर जा, मैं बेइज्जती कर दूं उससे पहले बाहर चल जा, नहीं कुछ भी हो बाहर इमीडिएटली, इमीडिएटली जल्दी, सॉरी और कुछ नहीं, बैग ले और बाहर जा, मेरे को सुनना ही नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड टू लिसन नेक्स्ट 7 लेक्चर्स जल्दी। मैं पढ़ाऊ नहीं पढ़ाऊ प्लीज, इसके बाद यही होगा, मैं लेक्चर स्टॉप कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को चाहिए ही नहीं डिस्टर्बेंस, जल्दी लाइव देख ला, कुछ भी कर ले, तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर समझा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू चीज चल रही है यहां पे। तो ये चीज तुम समझ जाना, ठीक है, मेरे को चलता 7 लेक्चर जितनी गालियां दी हुई कि यार क्या बकासुर आदमी है रावण है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर मैं इसके बाद में जीरो चीज एडजस्ट नहीं, किंडरगार्टन सुना है, उनको मार सकते तुम्हें नहीं मार सकते, तो तुम्हारे साथ एक ही चीज हो सकती है, बाहर जाना, ठीक है, ये लास्ट वार्निंग दे दी, यहां पे इसके बाद मेरे को कोई डिस्टर्ब दिखा मैं लेक्चर वहीं पे स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। मैं परसों के दिन बोल लिया, आज भी मैं आ रहा हूं, तुम्हारा रिवीजन में ध्यान नहीं है, आधे बच्चे पढ़ रहे आधे नहीं पढ़ रहे, 16 मार्क का टॉपिक है, अदर लॉ का मोर देन हाफ वेटेज इसका है, लास्ट बैच में और उसके पहले बैच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जनरल क्लॉजेस, तो मैं अदर लॉ का ब्यौरा अभी देता हूं तो शायद सीरियसनेस आएगा। 30 मार्क का अदर लॉ है, जनरल क्लॉजेस एक्ट में कुछ भी पढ़ा दूं, कैसा भी करवा दूं, कुछ भी करवा दूं, लूंगा मैं बहुत सीरियसली, पर तुम जनरल क्लॉजेस एक्ट के कुछ डेफिनेशन भी पढ़ के देखोगे तुमको इमीडिएटली समझ में आएगा तुम्हारी बस की बात नहीं, हालांकि लॉ बहुत सिंपल है लेकिन उसके अंदर अभी चेक करने की जरूरत नहीं, जो बोल रहा हूं वो सच है। जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन है, जैसे सिंपल डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने इतने बार सेंट्रल गवर्नमेंट देखा है, बोलो हाँ है ना। एक बार तुम सीजी का डेफिनेशन आज घर जाके देख के आना और फिर मेरे को कल बोलना कि तुमसे लिखना होगा क्या, इतने बार तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा है घर जाके देखना और कल मुझे आके बोलना कि तुमसे लिखना होगा क्या। जनरल क्लॉजेस तुम पढ़ लोगे समझ में आएगा, तुमको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, परसों मैंने एक रिव्यू शेयर किया था अगर आपको याद होगा, एक लड़की है 74 मार्क्स कमाए हैं अदर लॉ में, उसको सिर्फ हाफ मार्क्स दिए हैं और उसने नीचे कमेंट लिखा था कि सर अदर लॉ में मुझे सिर्फ 50% मार्क मिल रहे क्योंकि मेरी लैंग्वेज मेंटेन नहीं हो रही, और वो दो ही टॉपिक की बात कर रही थी, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेस।
कॉन्ट्रैक्ट तो उसने बचपन से पढ़ा है, निगोशिएबल में लैंग्वेज का कोई लेन देन नहीं है, मेनली चेक्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट के जर्नल एंट्रीज, उसके रिगार्डिंग चीज़ें हैं। चलो तुमको कॉन्ट्रैक्ट और निगोशिएबल है नहीं, तुमको फेमा है, तो ये बात समझ लो जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट तुम कितना भी रट डालो तुमको आधे ही मार्क आने हैं, मतलब 15 में से 7। एक कुछ भी कर ले, मैं तुमको कितना भी लिखवा के दूँ, अच्छा खासा लिखवा के दूंगा, फिर भी उतने ही आने। तुम्हारा अदर लॉ में कैश करने वाला कोई टॉपिक हो सकता है, वो है फेमा, ठीक है। तो अगर तुमको 30 में से 20-25 मार्क्स चाहिए तो तुम ईमानदारी से अगले 6-7 लेक्चर ध्यान दो। मैं बता रहा हूं नथिंग, आई रिपीट नथिंग, कोई भी चीज अगले 7 लेक्चर्स तक किसी भी दूसरे चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अदर देन टीचिंग और जो तुम लर्न कर रहे हो, ठीक है। मैं इसके बाद में कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके सिर्फ क्लास से बाहर निकलने के लिए बोल दूंगा, ठीक है। डांटूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं गुस्सा करूं मेरे लिए गलत है, तुम्हारी गलतियों को जैसे मैं मेरी बॉडी में गलत रिएक्शन क्यों कर लूं, आई वोंट डू दैट। मैं हाथ जोड़ूंगा, प्यार से बोलूंगा बाहर निकल जाओ, ईमानदारी से निकल जाना, नहीं तो जब तक वो बंदा निकलेगा नहीं तब तक मैं बिना लेक्चर लिए यहीं बैठा रहूंगा, फिर तुमको जो एडजस्ट करना है तुम देखना। तुम मेरे लिए सब एक जैसे हो और एक जैसे ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये ट्राई करना कि अगर बाजू वाला तुमसे बात कर रहा है तो भी तुम उससे बात ना करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ये आज सोच के आया था कि मैं बहुत आराम से ईमानदारी से शांति से पढ़ाऊंगा, पर मेरे को देख के लग नहीं रहा तुमसे एडजस्ट होगा करके, ठीक है। जो अभी तक तुमने 15-20 मिनट में हरकतें की, आई डोंट थिंक सो कि तुमसे होने वाला है, तो मेरे को कुछ करना जरूरी है। तो मैं पहले ही सॉरी बोल दूं हाथ जोड़ के, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पर ये टॉपिक के लिए मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, स्टार्ट करते सबसे पहली बात, तो आपके बुक के अंदर बहुत सारे डेफिनेशन दिए होंगे फेमा के, और आप पहले एक दो डेफिनेशन पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूट ने कट कॉपी पेस्ट किए हुए डेफिनेशन है। अब उसमें से सभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। उसमें से जो डेफिनेशन कंसेप्चुअल है या जिसमें एनालिसिस हो सकता है या जो डेफिनेशन थोड़े से बिगर इन द साइज है, वही डेफिनेशन को हम यहां पे ले रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन एग्जाम में पूछने लायक है। बच्चों डेफिनेशन अगर आप पहले दो पढ़ लो तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होता है उसका नाम दे दिया कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये सेक्शन में है, ये सेक्शन में, दैट्स ऑल। तो हम सीधा एक डेफिनेशन के ऊपर, और वो डेफिनेशन है करेंसी का, फॉरेन करेंसी, ठीक है। ओके, अब मैं चाहूंगा बुक के अंदर पेन रख दो, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से सुनेंगे इसको, ठीक है। बुक बंद, पेन पेंसिल बुक के अंदर कंपलसरी बुक बंद करना, फेमा में सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहो तुमको सब कुछ आराम से आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ध्यान देते रहो, आर यू गाइस रेडी, बोलो हाँ है ना। सो डेफिनेशन है फॉरेन करेंसी, 2 सबसेक्शन नंबर कौन सा, एम सार। हर चैप्टर शुरू करने के पहले सेक्शन का स्ट्रक्चर देते हो, यह चैप्टर में सेक्शन का स्ट्रक्चर कौन देगा, यह चैप्टर में रिवर्स प्रोसीजर है। चैप्टर पढ़ना पहले है, सेक्शन स्ट्रक्चर बनाना एंड में है, क्योंकि फेमा पूरा 49 सेक्शंस तुमको अप्लीकेबल नहीं है, फेमा में कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस ही तुम्हें अप्लीकेबल है। तो अगर सिलेक्टेड ही अप्लीकेबल है तो पूरे 49 क्यों याद करें, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले सर ना। तो सिलेक्टेड सेक्शन पहले याद करेंगे, चैप्टर के एंड में स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो फॉरेन करेंसी 2 सबसेक्शन एम, याद करने का तरीका एम फॉर मनी, मनी फॉर करेंसी, 2 सबसेक्शन एम। एक बार सब जन बोलो क्या बोलना है, मनी फॉर करेंसी, फॉरेन करेंसी, 2 सबसेक्शन नंबर एम। और फॉरेन करेंसी का डेफिनेशन, व्हाट डू मीन बाय फॉरेन करेंसी एनीवन, सर विच इज नॉट, विच इज नॉट ए इंडियन करेंसी ना, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, विच इज नॉट प्राइवेट, बोलो हाँ है ना। व्हाट इज कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो व्हाट इज फॉरेन करेंसी, विच इज नॉट इन। पहली बार ड्राफ्टमैन ने जिंदगी में तुम्हारे मन की बात जान ली और लिखा फॉरेन करेंसी मींस अ करेंसी अदर देन इंडियन, समझ में आया, मजा आया जिंदगी में। सर अभी ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है हम भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, नालायक लोगों बिकारी, पर ये जो वर्डिंग है, ठीक है, ये जो वर्डिंग है अदर देन इंडियन करेंसी मोशक्ति, अदर देन कौन सा करेंसी बोले एक बार उसे, इंडियन करेंसी, ये सेंटेंस में भी मीनिंग छुपा है ना, क्योंकि पहले तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज इंडियन करेंसी, क्या होता है इंडियन करेंसी, विच इज नॉट अ फॉरेन। तुम ड्राफ्टिंग रहने देना,
ओके, इंडियन करेंसी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक इंडियन करेंसी बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक इंडियन करेंसी बनाता है आरबीआई। दो रुपए तक के जितने भी नोट्स होते हैं वो सीजी के कंट्रोल में होते हैं, दो रुपए से ज्यादा के जो नोट्स होते हैं वो आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं, दोनों को इंडियन करेंसी माना जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन, क्लियर है? पर इससे भी ज्यादा एक और चीज है, अदर देन इंडियन करेंसी मतलब क्या? मतलब ऐसा है दुनिया में बहुत सारी करेंसीज है एंड उसमें से एक इंडियन करेंसी, दिस इज अ झुंड, ये एक पूरा झुंड है जिसमें पूरे दुनिया के करेंसीज है, इसमें से एक इंडियन करेंसी, तो बची हुई सब फॉरेन है, बची हुई सब फॉरेन है, तो बची हुई कितनी करेंसीज है ये? बहुत सारी, ये रुको इंडियन, हाँ बची हुई कितनी है? इसके लिए ऐसा नहीं लगता कि आपको जानना चाहिए कि अर्थ के ऊपर कितने करेंसीज अदर देन इंडियन करेंसी है, पर करेंसीज जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि अर्थ के ऊपर कितने कंट्रीज है, क्योंकि कंट्रीज के हिसाब से करेंसीज हो सकते हैं। तो अर्थ पे कितने कंट्रीज है? बोले लगाओ बोली, लगाओ बोली, दे तू पिक्चर देखे हो, पिक्चर है कितने बोलो, 205, इसने देखी है पिक्चर, आपने वो मूवी देखा है, एक था टाइगर, चलो अरे देखिए नहीं देखिए, सो एक था टाइगर मूवी के अंदर सलमान खान का जो बॉस होता है वो सलमान खान को बोलता है दुनिया में 205 कंट्रीज और तेरे को लड़की मिली थी प्यार करने के लिए पाकिस्तान की, सुना बोलो हाँ या ना, उससे तुमने कटरीना कैफ पे ध्यान दिया पर तुमने 205 कंट्रीज पे ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान 205 कंट्रीज पे गया पर तुम्हारा ध्यान कहां चला गया, कटरीना के। तो उस डायलॉग से ये चीज हमें समझ में आती है कि दुनिया में कितने कंट्रीज है, 205, ये नहीं कि कटरीना कैफ बहुत सुंदर है, थी है जो भी है, समझ में आ रहा है? सो दुनिया में कितने कंट्रीज है, 205, पर 205 कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज को कंट्रीज नहीं माना जाता। क्या मजाक करो, मतलब सर कंट्री को कंट्री नहीं मानेंगे तो कंट्री को क्या गांव मानेंगे, जिला मानेंगे? नहीं बेटा, उनको कंट्रीज के लिस्ट में नहीं लिया जाता। जैसे अंटार्कटिका पाकिस्तान नहीं भिगारी, वो तो कंट्री है। ओके अंटार्कटिका, मुझे तो अंटार्कटिका को कंट्री बोल सकते हैं क्या? तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है दुनिया में जो नॉन कोऑपरेटिव है, सुनना फोकस, पेरू, गौतमाला, म्यांमार, इजिप्ट, नाइजीरिया, वो सोमालिया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, हाँ है ना, जहां सातवीं का बच्चा AK-47 लेके घूमता है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो ऐसे नॉन कोऑपरेटिव कंट्री को निकालो तो दुनिया में 195 कंट्रीज है। कितने कंट्रीज है? 195, और 195 कंट्रीज में से 50 कंट्रीज की खुद की करेंसी ही नहीं है, वो दूसरों की करेंसी यूज करते हैं। जैसे जिन जिन कंट्रीज, अभी अगर आपको मैं आपको बोलू ये तो मैं बोल सकता हूं, रीजन बिंग मेरे जिया जी जो है शगे जीजा जी, जीजू जीजू, नहीं मैं ऐसे नहीं बुलाता क्योंकि मैं साला हूं। सो मेरे जो सगे जिया जी है वो आर्मी में है एंड ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल फुल कर्नल के हो, अभी ब्रिगेडियर बन जाएंगे, तो मतलब आर्मी ऑफिसर बाकायदा, जब निकलते तो 2-3 गाड़ियां साथ में निकलती, ऐसा वाला उनका ये है। तो ही वॉज सिलेक्टेड फॉर अवर फैमिली, इट इज अ वेरी गुड थिंग। ऑल ओवर इंडिया कुछ एग्जाम्स होते हैं और आपको चांस मिलता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करके आप यूनाइटेड नेशंस के लिए वर्क करो। अब यूनाइटेड नेशंस मतलब 195 कंट्रीज की कलेक्टिव आर्मी, पर यूनाइटेड नेशन की खुद की आर्मी थोड़ी है, तो यूनाइटेड नेशन सभी देशों से धुरंधर लोगों को सिलेक्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ फॉर देयर आर्मी। मतलब यूनाइटेड नेशन को जहां पे भी पीस मेंटेन करना होता है तो सभी देशों से सोल्जर्स उठाता है और जिस एरिया में पीस चाहिए वहां पे उसको डिप्लॉय करता है, क्योंकि उनकी खुद की आर्मी नहीं है। तो मेरे जिया जी जो है कर्नल ओंकार सप्रे, ही गॉट अ चांस एंड ही गॉट सिलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, और उनको चांस मिला कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए यूनाइटेड नेशंस की आर्मी में जाए फॉर आर्टिलरी क्रेड, और फिर उनको प्लेस किया गया था साउथ अफ्रीकन कंट्री कॉन्गो में। कॉन्गो इज अगेन वही AK-47 लेके घूमने वाला सातवीं का बच्चा, सेम, मतलब वो ऐसा जोन है कि जहां पे आर्मी के हेडक्वार्टर्स है सब लोग और वहां सब कंट्रीज के सोल्जर्स साथ ही रहते हैं। मतलब यहां इंडिया, इंडिया के साथ में एशिया वाले, पाकिस्तान, चाइना, सब 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 एक ही इसमें गुट में, ठीक है? ऐसे कॉन्टिनेंट वाइज वहां पे सोल्जर डिवाइडेड है।
तो उनके यहाँ ऐसे किस्से होते रहते कि यहाँ टेंट में ये बैठे हैं तो कॉन्गो वाले आके ये 10-15 मिनट के ऊपर एक आधा बॉम्ब फोड़ के चल जाए। तो ऐसा हुआ भी कि कॉन्गो में मेरे जिया जी जब प्लेस थे तो एट दैट टाइम वो जीप से उतरे, मतलब टेंट में आने के लिए जीप से उतरे, और जीप जो ड्राइव कर रहा था बंदा वो जीप में ही था, वो जस्ट जीप से उतरा और जीप ब्लास्ट हो गई एंड ही लूज हिज हैंड, तो बंदे का हाथ निपट गया वो ब्लास्ट के अंदर। आफ्टर दैट नाइट दे सेलिब्रेटेड कि अब ये बंदे का हाथ नहीं रहा करके, दैट इज हाउ दे आर बिल्ट। ठीक है, कि वो बंदे का हाथ चला गया परमानेंटली, रात को इन्होंने बैठ के पार्टी किया कि इसका हाथ चला गया, अभी इसको घर पर जाने मिलेगा। दिस इज हाउ दे आर बिल्ट, इतने भयंकर बने होते। तो बिकॉज मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, आई सी हिम ऑलवेज कि भाई कितने डिसिप्लिन्ड वे में वो चलते हैं, आई नो। सो ही रिप्रेजेंटेड इंडियन आर्मी एंड गॉन टू यूनाइटेड नेशन, एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्गो में वो प्लेस थे। ठीक, नाउ कॉन्गो में सिचुएशन ऐसा था कि कॉन्गो, सोमालिया, साउथ अफ्रीका से 10-15 कंट्रीज ऐसे है जहां पे उनकी करेंसी वहां पे ठेले पे बेची जाती है। अगर आप कभी गूगल के ऊपर सर्च करो कॉन्गो कंट्री अफ्रीकन करेंसी सेलिंग, तो लिटरली ठेले के ऊपर ऐसे लादियां बिछी होती है और वो बाजार में उनकी करेंसी ठेले पे बेचते हैं, वहां करेंसी चलती है डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो यूनिवर्सल करेंसी है, और वहां सब डीलिंग डॉलर में होता है। दूसरा मालदीव्स, ये जब बॉलीवुड एक्टर सब उठ के सब जब जाते हैं कोरोना उराना में मालदीव, मालदीव में आप जाओ मालदीव की करेंसी नहीं, इट इज डॉलर। तो 195 कंट्रीज में से ऐसे 50 कंट्रीज है जिनको खुद का कोई करेंसी नहीं है, तो दुनिया में 196 में से 50 ऐसे है जिनको खुद का कोई करेंसी नहीं, दुनिया में 146 करेंसीज है। कितने करेंसीज है बोले एक बार उसे, 146, उसमें से एक हमारी है, तो बचे हुए 145 करेंसीज हमारे लिए फॉरेन करेंसीज है। बचे हुए 145 करेंसीज हमारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी। अब इन करेंसीज में भी रेस लगा रहता है, इन करेंसीज में भी क्या लगा रहता है, रेस, कि भैया कौन सी महंगी कौन सी सस्ती। एनीवन नोज दुनिया के टॉप 3 महंगे करेंसीज, आपने एक चीज तो सुना होगा, सबसे ज्यादा तेल कुवैत में है एंड सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी कुवैत है, तो जो कंट्री सबसे बड़ी एक्सपोर्टर होती है उसकी करेंसी ऑब्वियसली महंगी होनी चाहिए, बोलो हाँ ना। एंड सबसे सस्ती पाकिस्तान, नहीं भिखारी, बोलो। ओके, नाउ अब सुनना, ये 145 कंट्रीज याद रखना। अब सबसे महंगे करेंसीज की बात करते हैं, हालांकि ये मैं आज के डेट की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल पिछले 70-80 सालों में जो सबसे महंगे रहे हैं मैक्सिमम टाइम उसके हिसाब से। अभी हो सकता है डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंज हो, पर ओवरऑल सिनारियो अगर आप देखो, ओवरऑल पिछले 70 साल का आप हिस्ट्री देखो, तो ये करेंसी सबसे महंगे माने गए हैं। ओमानियन रियाल, एक ओमानियन रियाल 2.6 डॉलर्स का होता है। नाउ 2.6 डॉलर्स का सिंपल मतलब होता है 200-300 रुपए का नियरली एक ओमानियन रियाल आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, 200 रुपए के आसपास। सेकंड कॉस्टलीस्ट करेंसी इज बहरीन दिनार, 2.65 डॉलर्स, अभी तो उनके रेट्स और बढ़ चुके होंगे। एंड फर्स्ट इज कुवैतियन दिनार, दैट इज 3.46 डॉलर्स। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, नियरली 300 रुपए का एक कुवैतियन दिनार आता है। सर पर इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो गुड्स की कॉस्ट है वो उतनी रहती है। समझो कोई चीज हमारे यहां पे 500 रुपए की या 300 रुपए की आ रही है, तो कुवैत में वो एक कुवैतियन दिनार की आएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। जोर से बोलो, गुड्स की वैल्यू वही रहती है, सिर्फ करेंसी वैल्यू डीवैल्यू होती है। सबसे सस्ते करेंसीज में थर्ड नंबर पे है वियतनामीज डोंग। जब यूएस और वियतनाम का वॉर हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में वियतनाम की करेंसी बहुत बड़े पैमाने पर गिर गई थी, क्योंकि यूएस वो वॉर जीत गया था। तो ऐसे सिचुएशन में वियतनामीज डोंग एक डॉलर, मतलब किसी को अगर करोड़पति का थोड़ा सा फीलिंग लेना है एनीवन, ठीक है, और तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो तुम इस कंट्री में जाके फीलिंग ले सकते हो। सो एक डॉलर इज इक्वल टू 20,837 रुपए, मतलब तुम्हारे 80 रुपए, मतलब यहां पे 20,837 डोंग, तुम्हारे सिर्फ 80 रुपए, मतलब कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड। अब तुम सोचो तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है, 10,000 रुपए, तो तुम यहां चले, तो दैट मींस कि ऐसा नहीं कि आप करोड़पति नहीं हो, आप गलत कंट्री में हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, आया ना, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट, तुम करोड़पति हो, सिर्फ गलत कंट्री में हो। क्लियर कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि आप मोटे हो, आप गलत प्लेनेट पे हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाया ना। सो वो आजकल आता है ना कि भाई वो लोग बोलते हैं ना कि आई एम ट्रांस,
ट्रांसरेशियल, कि मैं आदमी हूं पर मुझे औरत जैसा लगता है। अभी तो ट्रांस एनिमल भी आ गया है, कोई बोलता है कि मैं इंसान हूं पर मेरा फीलिंग कुत्ते जैसा है। दीज आर ट्रांस एनिमल, समझ में आ रहा है सबको? है ना? मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है आई एम ट्रांस रिच, कि मैं गरीब आदमी के बॉडी में अटका हूं पर मेरा फीलिंग रिच आदमी जैसा आता है। ऐसा तुमको भी लगता होगा कभी कभी कि हम सिर्फ गरीब आदमी के बॉडी में है बट एक्चुअली वी आर रिच, है ना? तो इसको भी एक ट्रांस वाली कैटेगरी डिक्लेयर की जाए, सबको राइट्स दे रहे तो हमको क्यों नहीं भाई, है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यू आर नॉट, ऐसा नहीं कि तुम करोड़पति, तुम करोड़पति हो सिर्फ गलत कंट्री में हो, इससे ज्यादा करोड़पति होना है। सेकंड, दैट इज सोमालियन शिलिंग, एक डॉलर इज इक्वल टू 22,000 सोमालियन शिलिंग, इससे ज्यादा करोड़पति होना है। ईरानियन रियाल, एक डॉलर इज इक्वल टू 24,500, मतलब तुम्हारे 80 रुपए इज इक्वल टू 24,576 ईरानियन रियाल। कैन यू जस्ट अब लगे कैलकुलेट, ऐसे 10,000 रुपए अकाउंट में अगर अपने है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 24,576, कौन करोड़पति है जरा बताओ मेरे को, कितने लोग करोड़पति हो गए बैठे? तेरा जीरो आया, चेहरा देख के आया होगा वो, ठीक है, और कोई सब करोड़पति हो गए, हाँ है ना? तो इतना पैसा अगर तुमको चाहिए, तुम गलत कंट्री में हो, तो वहां पे जाके अगर तुम 10,000 रुपए लेके जाओ तो तुम एकदम क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना? जोर से बोले सर, नो सर, बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं कब से तो भी ये सोच ही रहा था कि आई एम रिच पर्सन बट गलत बॉडी में अटका हुआ हूं। बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी यस और नो? तो ये चीज को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पे आपका करेंसी का डेफिनेशन फॉरेन करेंसी का होता है कदम, एक बार फॉरेन करेंसी का डेफिनेशन सब जन बोलेंगे, फटाफट बैठ, पीछे ही बैठो ना, पीछे ही बैठ, पीछे आगे आने कोई पीछे पीछे मुड़ते चल, लास्ट बेंच पे बैठो जाओ। ओके, एक बार वापस से पूरा ध्यान बोर्ड पे, फॉरेन करेंसी सेक्शन नंबर कौन सा है? 2 सबसेक्शन नंबर एम, एम फॉर मनी, मनी फॉर करेंसी, फॉरेन करेंसी, व्हाट इज फॉरेन करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, इतना ही एग्जाम में लिखना है। ऊपर का पसारा लिख के मत आना कि देयर आर 2505 उसमें से 196 और मेरे तो 145 उसमें, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द ईरान, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो ये सब कुछ मत लिख के आना, एक सेंटेंस लिखा काफी है, दैट इज अदर देन इंडियन करेंसी इज अ कौन सा करेंसी, फॉरेन, बाकी पूरा प्रपंच उनको पता है, क्योंकि जो मैंने आपको ये सब नॉलेज बोला दिस इज नॉट रिटन इन द मॉड्यूल, दिस इज फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग कि तुम क्या हो या तुम्हें फॉरेन करेंसी को किस प्रकार से देखना है। आइडिया क्लियर है? और जो मैंने अभी करेंसी बोले ये नंबर चेंज हो चुके हो सकते हैं, पर मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं जो पिछले 70 सालों से ऑन एन एवरेज सबसे कॉस्टलियस्ट या सबसे चीपेस्ट करेंसी है, उस हिसाब से कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब समझो कल जाके इसराइल का और हमस का वॉर हो रहा है, हमस बोला मैंने नाला को, सो इसराइल हमस का वॉर हो रहा है, कल अगर हमस वाला एरिया पूरा डिफीट हो गया तो उनका करेंसी भी ठेले पे बेचा जाएगा, क्लियर है कंसेप्ट? तो ऐसे केस में उनका करेंसी सबसे डिवैल्यूड करेंसी रहेगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? आपको पता है विजय सर के पास एक नोट थी, विजय सर को पूछना आज, विजय सर के पास एक नोट थी, एक नोट के ऊपर क्या डिनोमिनेशन हो सकता है? विजय सर के पास 10 करोड़ के डिनोमिनेशन वाली नोट थी, 10 करोड़, पर वो ऐसा है कि वो कंट्री साउथ अफ्रीकन कंट्री है और उसकी करेंसी डिवैल्यूएट, मतलब आप सोचो कि कंट्री की हालत क्या होगी कि डिवैल्यूएट हो के उनको 10 करोड़ के डिनोमिनेशन वाली नोट प्रिंट करनी पड़ी और उस नोट की कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब नॉट इवन 2 सेंट्स और 10 सेंट्स, ठीक है? तो उन्होंने जब मेरे को 10 करोड़ की नोट दिखाई, मैं बोला तो ऐसा था कि वो नोट चलन से बाहर भी हो चुकी थी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? तो उनको पूछना कि सर आपके पास ऐसी नोट थी क्या करके, ही विल टेल यू द हिस्ट्री बिहाइंड इट, ठीक है? सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, डेफिनेशन सबको समझ में आया पक्का? अब बुक खोलिए एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, दिख रहा है फॉरेन करेंसी? मार्किंग करना है कुछ कर लो। अच्छा, 3-3 करेंसीज लिखने के लिए जगह छोड़ी होगी ना मैंने, वो लिख लो 3-3 करेंसीज, सबसे कॉस्ट चीपेस्ट वाले पहले लिख लो ये तीनों।
पार्श्व, हाँ पार्श्व बेटा, सपोर्ट टीम को कॉल करो, दे विल हेल्प यू। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर क्रिप्टोज आर नॉट करेंसी राइट, सो नो बिटकॉइन। क्रिप्टोज को करेंसी का दर्जा किसी भी देश में नहीं दिया है, क्रिप्टो इज जस्ट अ कमोडिटी राइट नाउ। और इंडिया में क्रिप्टो तो मतलब वो बोलते नहीं है, बोलते हैं ऐसा भी नहीं है, लीगल इलीगल अभी तक के डाउट है, पर गवर्नमेंट ने 50% टैक्स तो लगा के रखा है कि अगर आप क्रिप्टो सेलिंग से प्रॉफिट होता है तो 50% यू हैव टू पे एज अ टैक्स। स्पेशल बैंक नोट या 1 रुपी नोट जो गवर्नमेंट विंटेज कलेक्शंस में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जैसे गांधी जी के जन्मोत्सव के अवसर के ऊपर गांधी जी वाला एक कॉइन लॉन्च कर दिया, उसे विंटेज कलेक्शन कहते हैं, लोग उसको कलेक्शन के लिए परचेस करके रखते हैं, तो उसको चलन वाली करेंसी इंडियन करेंसी नहीं बोलते हैं। क्लियर है? दोज आर जस्ट कलेक्टेबल कॉइन्स, उनको एक नाम होता है कोमोमोरेटिव कॉइन्स। क्या नाम होता है बोले एक बार उसे? कोमोमोरेटिव कॉइन्स, तो उसको करेंसी में नहीं गिनते हैं बेटा। यश, और जो सीजी के कंट्रोल वाले कॉइन्स होते हैं वो नॉर्मली कोमोमोरेटिव माने जाते हैं, आरबीआई वाले सभी के सभी करेंसी माने जाते हैं। चलो चीपेस्ट करेंसी लिख लिया, मैंने कॉस्टलीस्ट भी लिख लो। सो अगर तुमको एकदम भिखारी फील करना है तो इन कंट्रीज में जाना, एकदम भिखारी, मतलब वहां का भिखारी भी तुमसे ज्यादा अमीर है। सर वो तो हम क्लास में बैठ के भी फील करते हैं बोल रहे, गुड थिंग। क्या रशियन रूबल? तो बड़ा इंटरेस्ट है रशिया में तेरे को, यू कैन चेक द रेट। मैं कॉस्टलीस्ट और चिपेस्ट ही बोल रहा हूं, सिर्फ रेट आपको इसके ऊपर मिल जाएगा गूगल पे, अभी भी मिलेगा। हाँ आज का, अरे रशियन रूबल का भिखारी किसका रेट बोल रहे हैं? हाँ है, रशियन रूबल वॉर की वजह से डिक्लाइन क्यों नहीं हुआ? ओके, सवाल है कि सर रशियन करेंसी वॉर की वजह से कम क्यों नहीं हुई? नॉर्मली वॉर की वजह से उसी कंट्री की करेंसी ड्रॉप होती है जो वॉर हारने के कगार में रहती है, उस कंट्री के नहीं जो जीतने के घर पे। जो कंट्री जीतेगी उसकी करेंसी बढ़ेगी या कम होगी? रशिया के खिलाफ क्या है संभव? रशिया हारेगा मतलब हो गया काम। वो व्लादिमीर पुतिन को परसों हार्ट अटैक आया था, हाँ पता नहीं तुम्हें? परसों अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट है व्लादिमीर पुतिन को, जमीन पर पड़ा हुआ मिला वो। एज पर सोर्सेस इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया रशिया ने अभी तक, बट जो हमारे खुफिया एजेंसीज रहते हैं दे टेल अस कि वो परसों उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। बच तो जाएगा, वो खतरनाक आदमी है, छोड़ेगा नहीं किसी को। चलो लिख लिया कॉस्टलीस्ट करेंसी, बोलो हाँ या ना। चलो वापस से सीरियस गाइज, अब बहुत बेकार एरिया में जा रहे हैं, मुंडी मुंडी चटको स्ट्रेट बैठो। और जो सीरियसनेस मैंने तुमको पहले बोला था वो मेरे को अभी चाहिए, बातें मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? फोकस प्लीज, ठीक है? मेरे को कोई हरकत नहीं चाहिए, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ साथ चलते रहो, ठीक है? आई रिक्वेस्ट एवरीवन, वरना मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज 2 सबसेक्शन एन वाला डेफिनेशन है, कतई वाहियात। एक बार मैं डेफिनेशन सिर्फ आपको दिखा दूं और एक बार हम रीड करते हैं जरा, ठीक है? वही बैठ जा जिधर है। फॉरेन एक्सचेंज मींस, मैं एक बार सिर्फ रीड कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज मींस, मुझे एक बार बताओ मींस मतलब एग्जॉस्टिव है इंक्लूसिव है? सब जन बोलो मींस मतलब एग्जॉस्टिव है इंक्लूसिव है? मींस फॉरेन करेंसी, मतलब अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ा फॉरेन करेंसी का वो तो है ही है, ठीक है? कृपया सिर्फ ध्यान दे, मार्किंग बाद में करना आराम से, पहले सुन लो। एंड इंक्लूड्स मतलब अब इंक्लूसिव वाला भी पार्ट आ गया। सो फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी इंक्लूड्स डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेएबल इन द फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन द इंडियन करेंसी बट पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द बैंक और द इंस्टीट्यूशन और द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी। यहां से असल फेमा की शुरुआत होती है। मैं तुम्हें देता हूं 1 मिनट, उस डेफिनेशन को जितना मन में पढ़ के घोट सकते हो घोट लो। मार्किंग करना है तो तुम्हारे हिसाब से करना, मैं मेरे हिसाब से किया, हालांकि कोई भी मार्किंग इस डेफिनेशन में काम में नहीं आएगा, या फिर मार्किंग मत करना, मैं जब पूरा एनालिसिस करवा दूं तब जो आपको समझ में आ रहा है वो मार्किंग करना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो।
लाइव स्ट्रीमिंग कृपया डेफिनेशन पे ध्यान दे। चलो रेडी किया, बोलो हाँ है ना। ओके साइड वाले को समझाओ, क्या समझ में आया आपको? सर ना मेरे को समझा है ना साइड वाले को समझा है, दोनों सिर्फ हम एक दूसरे को देख सकते हैं पर शक्ल भी अच्छी नहीं है। चलो अब पूरा ध्यान बोर्ड पे, सबने रीड किया, पेन उठाइए। स्ट्रिक्ट लेवल पे मैं जो मार्किंग कर रहा हूँ उसको आप अभी कर सकते हो, ध्यान देना। एक टेक्निक मैंने आपको इसके पहले नहीं बोली क्योंकि इस लेवल के बड़े डेफिनेशन हमने इसके पहले कभी देखे नहीं है, हालांकि ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है, फेमा में इससे बड़े बहुत सारे हैं। सो पहला ये जो डेफिनेशन है इसको मैं थोड़ा सा ठीक से, जब भी आपको कोई डेफिनेशन समझ में ना आए, हालांकि प्राइवेट कंपनी में हम ये एक बार कर चुके हैं अननोइंगली, पर आज वो प्रोसीजर को मैं आपको समझा दूं। जब भी कोई डेफिनेशन समझ में ना आए, मैं सिर्फ आज के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं थ्रू आउट सीए फाइनल तक के बोल रहा हूं या उसके बाद भी, कोई भी लॉ पढ़ो और आपको ऐसा लगता है डेफिनेशन बहुत बढ़िया नहीं समझ में आ रही, वेरी सिंपल टेक्निक, डाइसेक्ट द डेफिनेशन, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे फॉरेन करेंसी मींस, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी, पार्ट नंबर वन, ठीक है। कलर लगे चेंज कर लेना अगर हो सके तो। एंड इंक्लूड्स डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेएबल इन द फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी। अब इसमें पर्पल वाला पहला पार्ट मैंने जहां तक लिया है यहां से लेके यहां तक, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो लेट्स मी शो जस्ट दिस वन, ठीक है। दिस इज योर सेकंड पार्ट, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेएबल इन द फॉरेन करेंसी, दिस इज योर सेकंड पार्ट। फिर उसके बाद में वापस से हम जरा इन चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ये आपका पार्ट नंबर है थ्री, दिस इज योर पार्ट नंबर थ्री। एंड वापस से इन चेंज करके हम नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं, दैट इज द लास्ट वन, ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉन बाय बैंक और इंस्टीट्यूशन और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेएबल इन इंडियन करेंसी इज योर पार्ट नंबर फोर। So, चार पार्ट में मैंने डेफिनेशन को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक बार वापस से देखिएगा, ये चार पार्ट कृपया मार्क कर लीजिए। सबसे पहले कर लिया सबने, बोलो हाँ या ना। अब वापस से एक मिनट उसको पढ़िए पार्ट्स के हिसाब से, वापस से एक बार रीड कीजिए डेफिनेशन को सिर्फ पार्ट्स के हिसाब से। अब एक एक पार्ट सेपरेटली समझ में आता है क्या, यह ट्राई कीजिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा। सो डिवीजन वाला टेक्निक हमेशा वर्क करता है, जब डेफिनेशन बड़ी हो ना समझ में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो, समझ में आना शुरुआत होगा, पर पूरा नहीं समझा होगा, ठीक है ना। अब देखते सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज, मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां ड्रॉ कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फॉरेन एक्सचेंज, अब आप ये कहां, वहां पर जगह तो है नहीं, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो रजिस्टर वगैरह में इफ यू विश सो, ठीक है। साथ साथ में ड्रॉ कर लेना, रजिस्टर ओपन कर लीजिए। सो फॉरेन एक्सचेंज को यहां पे मैं डिवाइड करता हूं पहले पार्ट में मींस ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सब जन बोलेंगे टू, कौन सा है? एम, बोलो हाँ है ना। तो मैंने एक पार्ट पहले सेपरेट कर दिया कि फॉरेन करेंसी मींस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के कई सारे पार्ट है, उसमें फॉरेन करेंसी एक है, क्लियर। फिर उसके बाद में मैं दो पार्ट करता हूं इंक्लूड वाले एरिया में। सो यहां चाहिए तो अपन पहले लिखेंगे इंक्लूड, सो इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स वाले एरिया में हम दो पार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें से पहला पार्ट ये कहता है कोई भी डिपॉजिट है, कोई भी क्या है, डिपॉजिट या क्रेडिट है या फिर बैलेंस पेएबल है, डिपॉजिट क्रेडिट या क्या बोले एक बार जो से बैलेंस पेएबल,
और ये एक्सप्रेस किया है किसी भी फॉरेन करेंसी में, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेएबल एक्सप्रेस किया है किसी भी फॉरेन करेंसी में। अब हर बार हम फॉरेन करेंसी यूज कर रहे हैं तो कैन आई यूज डॉलर, कैन आई यूज डॉलर? अब हर बार तो फॉरेन करेंसी नहीं लिख पाएंगे, सो व्हेनेवर इट इज फॉरेन करेंसी जहां जहां बोला होगा आई विल ट्राई कि अब मैं डॉलर लिखना शुरू कर दूं। पर मैं जब डॉलर लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ डॉलर में ही है, ये बच्चे 145 फॉरेन करेंसीज में अज्यूम कर लेना एज पर एक्सचेंज रेट। क्लियर है ना सर? सो कोई भी डिपॉजिट क्रेडिट या बैलेंस पेबल है, वॉट डू मीन बाय डिपॉजिट बच्चों? वॉट इज डिपॉजिट एनीवन? एनीवन व्हाट इज डिपॉजिट? ओके, मुझे एक बार बताओ, इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, टाटा, मैंने टाटा स्टील का वेंचर बताया था, टाटा स्टील एंड कोरस, अरे बोलो हाँ है ना? अब कोरस की कंपनी अभी भी इंग्लैंड में ही है जो टाटा मैनेज करता है, बोलो यस और नो? तो कोरस के कंपनी के नाम से बाहर के बैंक्स में बहुत सारा डिपॉजिट हो सकता है, क्या वो रुपीज में रहेगा या फॉरेन करेंसी में रहेगा? तो क्या उसको मैं इंडिया के लिए इस डेफिनेशन के हिसाब से उस डिपॉजिट को फॉरेन एक्सचेंज बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है? अच्छा, समझो कोई इंडियन पर्सन है, पीआर आए, तुम में से एग्जांपल लेता, ज्यादा हैबिचुअल फील होगा, बोलो नाम, धनंजय, धनिया। नाउ धनिया का बाहर रशिया के अकाउंट में डिपॉजिट है, पता नहीं क्यों, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सो धनिया का रशिया के अकाउंट में डिपॉजिट है 6000 रुपए का, जो भी रुबेली है, रशियन रुबेल होगा वो, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉरेन करेंसी में है? अरे बोलो हाँ या ना? क्या ये बाहर डिपॉजिट है? क्या ये डेफिनेशन में इंक्लूडेड है? क्या मैं इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलू? हाँ, ये डिपॉजिट। दूसरा क्रेडिट, ऐसा भी हो सकता है बाहर क्रेडिट दिया हो, बोलो हाँ या ना? धनिया ने बाहर क्रेडिट पे काम किया, अरे चुप नालायक। सो धनिया ने बाहर क्रेडिट पे काम, क्रेडिट दिया है का मतलब कि सामने वाले को लिवरेज दिया है, पैसे का लिवरेज दिया है सामने वाले पर्सन से पैसा आना है। धना ने कुछ गुड्स बाहर सेल किए, क्रेडिट के ऊपर सेल किए, उससे पैसा आना है, मतलब फॉरेन करेंसी में पैसा आना है। तो कैन आई से इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज? बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोले यस और नो। तीसरा, बैलेंस पेएबल, या धनिया के तरफ से, धनिया को किसी भी तरफ से बैलेंस पेएबल आना है, पेएबल मींस कुछ ना कुछ रिसीवेबल है, तो कैन आई से इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज? बोलो हाँ या ना? ओके, अब एक और सवाल, धनिया को समझो बाहर कुछ पे करना है डॉलर में। देखो मैंने कौन कौन सा लिया कि समझो दिस इज इंडिया या श्रीलंका, इंडिया में बाहर से कोई डॉलर का बैलेंस आना है, क्या आना है बोले एक बार उसे? बैलेंस। क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? जोर से बोलो फॉरेन एक्सचेंज है। और इंडिया से बाहर डॉलर में कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, पेएबल, तो क्या इसको भी फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा? हाँ। एनीवेज आप देखो, हम एक्सचेंज की डेफिनेशन देख रहे हैं, हम फॉरेन बैलेंस की डेफिनेशन नहीं देख रहे। एक्सचेंज मतलब आ भी रहा है, जा भी रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है, इवन फाइनल वाले बच्चों को, कि एक्सचेंज भी, उनको ऐसा लगता है बाहर से सिर्फ जो आने वाला है वो एक्सचेंज है। अरे एक्सचेंज का मतलब दोनों साइड होगा ना भाई, तो फिर एक्सचेंज कौन सा होगा अगर दोनों साइड नहीं होगा? तो मतलब अगर धनिया को बाहर से डॉलर आने वाले हैं 10,000 और जाने वाले हैं 5,000, तो धनिया को नेट कितने आने वाले हैं? 5,000 डॉलर। तो यही एक्सचेंज हुआ ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? सो अगर धनिया से कुछ पैसा बाहर जा रहा है डॉलर के फॉर्म में, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, धनिया को फॉरेन करेंसी, अच्छा ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री के हो सकता है धनिया को रशिया को देने और चाइना से लेने हो, बोलो हाँ या ना? फिर भी वो सेट ऑफ होकर फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, बिकॉज सभी करेंसी एंड में तो डॉलर में कन्वर्ट होती है ना, बोलो हाँ या ना? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज में कुछ सिर्फ रिसीवेबल नहीं आएगा, पेबल भी आएगा, इसलिए यहां पे डिपॉजिट भी दिया है, क्रेडिट भी दिया है, बैलेंस पेबल भी दिया है, कि इंडिया से अगर जाने भी वाला है तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जोर से बोले एक बार, माइन्यूट लेवल पे जाइए, क्योंकि फेमा के डेफिनेशन ऐसे नहीं समझेगी अदरवाइज। क्लियर है? सो तीनों वर्ड क्लियर है मैंने जो बोले? ओके, तो हमारे चार वर्ड अभी पूरे क्लियर हो गए, फॉरेन करेंसी, डिपॉजिट, क्रेडिट्स, बैलेंस पेएबल। बाहर से पैसा आना बाकी है तो क्रेडिट है, बाहर पैसा देना है तो पेएबल है। कंसेप्ट समझ में? दोनों सेट ऑफ भी हो सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हमको रशिया से ही 6000 रूबेल आने थे, रशिया को ही 6000 रूबेल देने हैं, सेट ऑफ हो जाएगा ना, हम पे क्यों करें? तो दैट इज एक्सचेंज ओनली। इज इट वेरी क्लियर? ये इंक्लूड्स का पहला पार्ट हुआ, अब इंक्लूड्स का दूसरा पार्ट, ठीक है? अब मैं क्या लिख रहा हूं बहुत अच्छे से ध्यान देना, तुम नोट कर सकते हो साथ में सिर्फ, लेकिन फोकस ना हिलने पाए। इंक्लूड्स का दूसरा पार्ट, ड्राफ्ट, कलर चेंज कर देता हूं, मतलब ओई
अच्छा तुमने उतना लिख लिया है, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेएबल इन द फॉरेन करेंसी, बोलो हाँ या ना, उतना लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे कलर में सेम, पर मैं इंक्लूड्स के दूसरे पार्ट का डेफिनेशन बना रहा हूं, समझो दिस इज इंक्लूड का पहला पार्ट, इधर आपने लिखा डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेएबल, ठीक है, नाउ आई एम गोइंग फॉर इंक्लूड का दूसरा पार्ट जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक, टीसी लिखेंगे हम ट्रैवलर्स चेक को, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम एलओसी कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको हम बीओई कहते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर्स ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, दिस इज योर पार्ट नंबर कौन सा बोले एक बार जो से थ्री, थ्री पार्ट था नहीं है ये, सो नो, अब मैंने अब दूसरा भी अगर आप देखोगे उसके बाद वाला तो उसमें भी तो सेम ही है ना, ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक और इंस्टीट्यूशन पर्सन आउटसाइड इंडिया पेबल इन इंडियन करेंसी, दिस इज पार्ट नंबर फोर, बोलो हाँ है ना, पर दोनों जगह पे एक चीज जो आपको कॉमन दिख रही है वो क्या है, ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ है ना, तो मैंने वही लिखा, सब जन ध्यान देंगे, मैंने वही लिखा, क्या लिखा, ड्राफ्ट ट्रैवलर्स चेक लेटर ऑफ क्रेडिट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इतनी दोनों चीजें कॉमन है, हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, नाउ सबसे पहले हर एक वर्ड का मीनिंग समझिए, व्हाट डू मीन बाय ड्राफ्ट्स, व्हाट इज ड्राफ्ट्स, अबे सिंपल डीडी डिमांड ड्राफ्ट सुना है, डीडी इज अ ड्राफ्ट ना, इतना टेंशन की क्या बात है, बोलो हाँ है ना, तो डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, व्हाट इज ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स कार्ड सुना है, क्या होता है आपके पास, डेबिट कार्ड है, निकालो बाहर, इधर होगा अभी जिसके पास, जिसके पास भी होगा, अगर तुम्हारा तुम लकी होंगे और तुम्हारे डेबिट कार्ड पे सब नोटिफिकेशंस होंगे, मेरे इस पे तो नहीं है, अगर तुम्हारे डेबिट कार्ड अगर तुम लकी होंगे तो एक चीज डेबिट कार्ड पे लिखी रहती है अभी तो, हाँ ये देखो आपके डेबिट कार्ड के ऊपर सबसे पहले तो लिखा रहेगा वीजा या मास्टर कार्ड, बोलो यस नो, और दूसरा सुनना, दूसरा अगर आप देखोगे डेबिट कार्ड पीछे मोड़ के तो ब्लैक वाला स्ट्रिप है, ब्लैक वाले स्ट्रिप के ऊपर ऊपर एक लाइन होगा छोटा सा, लिखा होगा नॉट वैलिड फॉर पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान, लिखा हुआ है किस किस के इसके ऊपर लिखा होगा, किस किस के ऊपर नहीं लिखा होगा, कितने लोगों के ऊपर लिखा है नॉट वैलिड फॉर फॉरेन एक्सचेंज नेपाल एंड भूटान, अब ये क्यों, अब एक सवाल का जवाब दो मुझे, फोकस बच्चों छोड़ दो, वो डेबिट कार्ड हो गया बेटा, ओ हो गया खत्म, फोकस ठीक है, वापस आना शुरू करो जल्दी, अब अगर ये स्ट्रिप के ऊपर लिखा है डेबिट कार्ड के, लाइव स्ट्रीम में भी चेक करना, अगर ये लिखा है नॉट वैलिड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान, नॉट वैलिड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान, नॉट वैलिड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान, दैट मीन्स इट इज वैलिड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, नेपाल भूटान प्रोहिबिटेड है, मतलब दुनिया में तो चलेगा ना, आपको फ्रेंकली बोलू ये जो आपका डेबिट कार्ड है, अगर ये वीजा मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस कोई भी है, आप बाहर के दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी एटीएम में डेबिट कार्ड डालो, आप आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो वहां से आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस ज्यादा लगेंगे बिकॉज आपने इसके लिए पहले इंटीमेट नहीं किया, समझ में आ रहा है, तो योर कार्ड इट्सेल्फ इज अ ट्रैवलर्स कार्ड, ये ट्रैवलर्स चेक कंसेप्ट ओल्ड वाला है, जब चेक्स चलते थे तब, मतलब जब चेक ही यूज होते थे तो उसे ट्रैवलर्स चेक कहते थे, नाउ इट इज कन्वर्टेड टू ट्रैवलर्स कार्ड एंड ट्रैवलर्स चेक में ट्रैवलर्स कार्ड आते हैं, नाउ व्हाट इज ट्रैवलर्स कार्ड, दीपिका पादुकोण ने कुछ साल पहले ट्रैवलर्स कार्ड का बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट लाया था एनआरआई लोगों के लिए, व्हाट इज ट्रैवलर्स कार्ड, समझो धनिया को, धनिया को चार पांच कंट्रीज घूमनी है, धनिया सीए बन गया करोड़ों कमाए, धनिया बोलता है पहले रशिया जाऊंगा फिर बैंकॉक फिर नेपाल, बैंकॉक थाईलैंड एक ही होता है भिखारी, तुम्हारी ज्योग्राफी का नॉलेज बढ़ाओ भिखारी लोगों, पहले कैसे लोग हैं आ रही है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, मतलब जहां जाना उसका भी नॉलेज नहीं है, सो एलए ना, लॉस एंजलिस, एलए के नाम पे तुम्हारे पास एक एनीवेज, हाँ सो फोकस, सो धनिया जो है, धनिया ने डिसाइड किया पहले मैं जाऊंगा थाईलैंड फिर जाऊंगा रशिया फिर जाऊंगा नेपाल, And what happens in Vegas stays in Vegas. ठीक है, Las Vegas. समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो, अब धन्या को चार जगह जाना है, कितने जगह, चार, धन्या ने डिसाइड किया 1 करोड़ रुपए चार कंट्रीज में उड़ाऊंगा,
और इसने खुद के बैंक HDFC बैंक को 1 करोड़ दिया और बोले मैं 4 कंट्रीज में उड़ाने वाला हूँ, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके रखना। तो धनिया को बैंक ने पूछा सर कौन कौन से, तो बोले मेरे को थाईलैंड के भात चाहिए बोले, फिर रशिया के रूबल चाहिए बोले, जावा इधर नेपाल का जो भी चलता है टका इसका भूटान का है तो भी, सो टका जो चलता है वो चाहिए, एंड वेगास के लिए मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 1 करोड़ के करेंसी को कैश में लेके जाएगा डॉलर्स में, व्हाट नहीं लगेगा? तो बैंक क्या करता है, इसके 1 करोड़ रुपीस ले लेता है, खुद का चार्जेस काटता है 0.1-0.2%, पूरे अमाउंट को US डॉलर में कन्वर्ट करके एक कार्ड में डिपॉजिट करके धनिया को दे देता है। धनिया ये कार्ड 4 कंट्रीज में विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट किसी भी ATM में, इन चारों कंट्रीज के किसी भी ATM में स्वाइप करके जितना चाहिए उस कंट्री का करेंसी विड्रॉ कर सकता है। मतलब धनिया ये सेम कार्ड, अगर समझो धनिया के 1 करोड़ रुपए इस कार्ड में डिपॉजिटेड है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। धनिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में, स्वाइप करेगा डॉलर मिलेंगे, रशिया में जाएगा सेम कार्ड स्वाइप करेगा विदाउट टेलिंग नथिंग ही कैन हैव रूबल, थाईलैंड में जाएगा विदाउट टेलिंग नथिंग ही कैन हैव भात, नेपाल जाएगा विदाउट टेलिंग नथिंग ही कैन हैव टका। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रैवलर्स कार्ड। ट्रैवलर्स कार्ड मतलब जो बंदा बहुत ट्रैवल करता है बहुत सारे कंट्रीज में, उसको इस कार्ड में अलग अलग कंट्रीज के करेंसीज के फॉर्म में डिपॉजिट मिलेगा, एक्चुअल करेंसी डॉलर ही होगा, पर जिस कंट्री में स्वाइप करेगा वो करेंसी विड्रॉ होगा, एक्सचेंज रेट के हिसाब से कट जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दीज कार्ड आर ट्रैवल कार्ड। ये सिस्टम पहले चेक से शुरू हुई थी, समझो पुराना जमाना, कार्ड वार्ड इलेक्ट्रॉनिक डिसमिनेशन कुछ नहीं है, 1970-1980s का जमाना है। धना नेहा, सो धनिया ने समझो 1 करोड़ डिपॉजिट किए, कितने डिपॉजिट किए 1 करोड़, और 1 करोड़ डिपॉजिट करके धनिया को उस वक्त बैंक कार्ड नहीं दे सकती, तो बैंक क्या करती थी पता है, धनिया को अलग अलग डिनोमिनेशन के डॉलर्स के चेक देती थी, जैसे $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, ऐसे 5 अलग अलग डिनोमिनेशन के अलग अलग चेक देती थी। धनिया को चेक संभाल के रखने पड़ते थे, जिस भी कंट्री में धनिया जाता था उसने एक चेक वहां पे कैश करना था उस कंट्री के करेंसी में। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? दोज़ आर ट्रैवलर्स चेक। पर अब दुनिया चेंज हो गई तो उन्होंने ट्रैवलर्स चेक को ट्रैवलर्स कार्ड बोलना शुरू किया, दोनों का शॉर्ट फॉर्म सेम ही है TC। क्लियर है? पर अब ट्रैवलर्स चेक के डेफिनेशन अगर आप देखोगे कभी फॉरेन सिस्टम में, तो आपको उसके डेफिनेशन में पता चलेगा कि ट्रैवलर्स कार्ड भी इंक्लूड होता है। सो दिस इज ट्रैवलर्स कार्ड। दिस इज क्या बोले बाजू से? ट्रैवलर्स कार्ड। फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? सिंपल, धनिया ने जैसे अभी 1 करोड़ दिया, धनिया को ट्रैवलर्स कार्ड मिला, अब धनिया ने बैंक को 1 करोड़ दिया और धनिया को कुछ परचेज करना है गुड्स, 1 करोड़ के गुड्स, 1 करोड़ रुपए के गुड्स, मतलब डॉलर में कन्वर्टेड, लेट्स से जितने भी डॉलर होंगे 5-7 लाख डॉलर जो भी है, आई डोंट नो, वो 5-7 लाख डॉलर के अगर धनिया को गुड्स परचेस करने हैं तो बैंक इसको कार्ड नहीं देगा, बैंक इसको LOC देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर जिस भी कंट्री में इससे गुड्स परचेस करने हैं, इसने LOC इशू करना है, बदले में गुड्स परचेस करना है, लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि आपके ऑलरेडी पैसे क्रेडिट में जमा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ना जोर से बोलो। और फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो तुम्हें पता है कि धनिया ने अगर बाहर के पर्सन को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दिया, मैं पैसा पे करूंगा करके, कोई पे इंडियन पर्सन है जो, सॉरी, कोई एक्सेप्टर इंडियन पर्सन है, पे बाहर का बंदा है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब समझना बहुत अच्छे से, ये मैंने चारों टर्म्स का मीनिंग बोला, ठीक है, कृपया हिलना मत जगह से, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये सिर्फ मैंने टर्म्स का मीनिंग बोला, पर ये सिर्फ टर्म्स है, ये फॉरेन एक्सचेंज के पार्ट है। पर ये फॉरेन एक्सचेंज बनेंगे कब? ये फॉरेन एक्सचेंज बनेंगे बेटा उस वक्त अगर इनमें से कोई भी चीज, इनमें से क्या बोले एक बार उसे, कोई भी चीज होल्ड, अगर इनमें से कोई भी चीज, अगर पहला पार्ट क्या बोलता है देखना, इफ ड्रॉन इन इंडियन करेंसी एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी, या तो फिर दूसरे पार्ट में ड्रॉन बाय बैंक और इंस्टीट्यूशन और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, मतलब दोनों अपोजिट है। पहले इसमें बोला है इट इज ड्रॉन इन कौन सा करेंसी, इंडियन करेंसी, ये वाला दिख रहा है ड्रॉन इन कौन सा करेंसी, इंडिया, बट पेबल इन कौन सा करेंसी है, फॉरेन। दूसरी इसमें बोला है, ऐसा नहीं बोला कि फॉरेन करेंसी में ड्रॉ, बोला है ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। अब ड्रॉ अगर आउटसाइड इंडिया होगा तो फॉरेन करेंसी में होगा ना बड़ा, तो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन कौन सा करेंसी, इंडियन करेंसी। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं कि इट इज ड्रॉन एंड इट इज पेबल, ड्रॉन एंड क्या बाजो से पेबल, तो अगर मैं बोलूं कि ड्रॉन सबसे पहला क्या था, ड्रॉन इन काय में रुपीस बट पेबल इन काय में डॉलर्स, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, एंड सेकंड वाला पार्ट क्या है, ड्रॉन इन काय में डॉलर, ब्रैकेट में लिखूंगा आउटसाइड इंडिया,
एंड पेबल इन काय में बोले एक बार रुपीज, ऐसा भी है तो भी ये सभी चारों चीजों को, कौन कौन से, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन चारों चीजों को क्या कहा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, इसको लिख के रखिए। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो सर। नो, तो एक बार मुझे पूरी डेफिनेशन चार्ट के हिसाब से बोलिए सब जन, ठीक है? पूरी डेफिनेशन चार्ट के हिसाब से, रेडी? अब समझ में आ रहा है? बिना देखे ट्राई कीजिए बोलने का, ठीक है? चार्ट सिर्फ याद कीजिए, समझ में आएगा। सबसे पहला, सब जन ड्रॉ करो मेरे साथ साथ में, ड्रॉ करो, रेडी? आर यू गाइस रेडी? सबसे पहले मींस इंक्लूड्स, मींस फॉरेन एक्सचेंज, मींस क्या, फॉरेन करेंसी उठाओ फेंक दो। इंक्लूड्स के अंदर दो पार्ट, दो पार्ट में पहला कौन सा है, डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल, कौन सी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। हमने चारों का मीनिंग देखा, तीनों चारों का, डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल, बोलो हाँ है ना, बाजू में फेंक दो। और दो बच्चे, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों के लिए ड्रॉन इन रुपीस, पेबल इन डॉलर, ड्रॉन इन डॉलर, पेबल इन रुपीस। समझ में आया? तो आप ऐसे दो दो करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, मतलब पहला दो इस साइड दो, हाँ है ना, मींस इंक्लूड्स में दो, फिर इंक्लूड्स के दो में दूसरा बार ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो, और फिर नीचे दो आएंगे। इज इट वेरी क्लियर? ऐसा ही डायग्राम बना है आपका। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली? लास्ट बेंचर्स, बोलो हाँ है ना, इस चीज को लिख लिया, बोलो यस नो। ये समझ ना हुआ, एनालिसिस नहीं, ठीक है? अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन को क्या किया है, समझा है। ये लिख लिया है बच्चों सबने पक्का? बोलो हाँ है ना। फिर अब तुम्हारे बुक में आना, टेक्स्ट बुक में ये लिखना हो गया, मैं मिटा रहा हूं इसको। लाइव स्ट्रीम में सबका हुआ है? एवरीबॉडी डन? कॉर्नर्स, लास्ट बेंचेस डन? चलो फास्ट डू इट, अर्जेंटली साथ साथ में लिखते चलो बच्चों, समय नहीं रहेगा। ओके, अब तुम्हारे बुक के अंदर एक टेबल दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है सबको? जरा उस टेबल को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए प्लीज। शरडन, एवरीबडी यस और नो? ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब तुम्हारे बुक में टेबल दिया हुआ रहेगा, यस राइट? बच्चों बोले यस और नो? ओके, अब मैं टेबल के थ्रू जा रहा हूं, ठीक है? सो दिस इज योर टेबल, इसके अंदर मैंने केसेस दिए हैं। सबसे पहली बात, बोर्ड के ऊपर फोकस, अब टेबल देख लिया, पहले बोर्ड पे फोकस। ये टेबल सिर्फ बना है कौन सी चीज के लिए, फॉर ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए टेबल है, मतलब डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल, ये वाला पार्ट तो अपना टैली है। इसके अंदर कोई एनालिसिस है क्या? नहीं। क्वींस ऑफ फॉरेन करेंसी में कोई एनालिसिस है क्या? नहीं। मतलब पार्ट वन, पार्ट टू, ये दोनों अपने डन है, बोलो हाँ या ना। हम एनालिसिस कर रहे हैं पार्ट नंबर थ्री एंड पार्ट नंबर फोर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोलो यस और नो। आ जाइए, हेड एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन, पेबल इन, और उसका स्टेटस क्या है, ठीक है? पेन उठा लीजिए, मेरे साथ साथ मार्क करना, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? चलो, अगर मैं बोल रहा हूं कोई ड्राफ्ट, कोई ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें से कुछ भी या सभी, डजेंट मैटर, अगर एक्सप्रेस और ड्रॉ किया है रूपीज में और पेबल भी रूपीज में ही है, तो इसका स्टेटस क्या है, फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज या इंडियन एक्सचेंज? इंडियन पर्सन ने ड्रॉ किया, इंडियन पर्सन पे ड्रॉ किया, इंडिया में पेबल है, इंडियन ही करेंसी है। अच्छा समझो, ये चीज फॉरेन में की है, तो समझो दो एनआरओ फॉरेन में मिले कनेडा में, कनेडा, कनेडा में एक पंजाबी पुत्र ने दूसरे पंजाबी पुत्र को, कनेडा तो आधा पंजाबी है ना, एक पंजाबी पुत्र ने दूसरे पंजाबी पुत्र को रुपीस के अंदर दे दिया एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज कनेडा में, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? एवरीबडी, क्या ये फॉरेन एक्सचेंज है? नहीं, ये फॉरेन एक्सचेंज हो नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बोलो हाँ है ना। भले ही रुपीज में हो पर वो फॉरेन एक्सचेंज हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेशन, हमारे डेफिनेशन में कोई एक जगह फॉरेन करेंसी होना जरूरी है। क्लियर? सो दिस इज इंडियन एक्सचेंज, लिख के रखो आईई। कौन से पार्ट के हिसाब से? तो पार्ट का कोई जरूरत ही नहीं है, चारों पार्ट में फंसता नहीं है, सो एन ए। क्लियर है सब सबको? हाँ है ना, जोर से बोले सर। ना दूसरा वाला केस नंबर टू, ड्रॉन इन रुपीज, पेबल इन डॉलर्स, क्या है फॉरेन एक्सचेंज है? चलो फॉरेन एक्सचेंज कौन से पार्ट में, डेफिनेशन में कौन से पार्ट में?
ड्रॉन इन रुपीज पेबल इन डॉलर्स, कौन से पार्ट में? अब ये तो तीन, दो ही पार्ट का एनालिसिस है ना, थ्री और फोर, सो उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा, थ्री या फोर, कौन से पार्ट में, थ्री या फोर? अंडर थ्री, विच इज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, पार्ट नंबर थ्री लिखा है सबने। तीसरा वाला केस, ड्रॉन इन डॉलर पेबल इन रुपीज, बोलो क्या फॉरेन एक्सचेंज है या नहीं है? सो इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज, कौन से वाले पार्ट में, फोर्थ, लिख लिया सबने। लास्ट वाला, ड्रॉन इन डॉलर पेबल इन डॉलर, क्या फॉरेन एक्सचेंज है, क्या फॉरेन एक्सचेंज है, जोर से बोलो फॉरेन एक्सचेंज है। ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज, सही बात, एकदम सही बात, मतलब ये ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है अगर डॉलर का, तो ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, अगर इंडिया में डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, नहीं है? तो ये तो कंफर्म है फॉरेन एक्सचेंज है भाई। अब डेफिनेशन में कहा है, इट इज पार्ट नंबर सेकंड, डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेबल, क्योंकि डॉलर में ही डिपॉजिट है, डॉलर में ही ड्रॉ के, कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डॉलर में ही ड्रॉन है और डॉलर में ही पेबल है, तो डिपॉजिट क्रेडिट और बैलेंस पेबल हो गया ना मेरे भाई। अरे डॉलर में ही ड्रॉ, डॉलर में ही पेबल है, तो डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस पेबल हो गया ना, समझो मैंने तुम्हारे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया डॉलर में, पेबल डॉलर में है, तो बैलेंस पेबल है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो तो कैटेगरी नंबर टू में आ गया ना। तो दिस इज व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन, इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? सब जन बोलो हाँ या ना, सबको डेफिनेशन समझ में आ रहा है, लास्ट बेंचेस, आइडिया क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यहां आपका फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन होता है खाता, इज इट वेरी क्लियर? बोलो यस और नो। एक बार डेफिनेशन वापस से एक मिनट के लिए देखिए, सब चार्ट प्रॉपरली देखिए, एक्सचेंज देखिए, ठीक है, टेबल देखिए, पूरा फिट कर लीजिए दिमाग में, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं नेक्स्ट डेफिनेशन इससे वाहियात है, और उसके नेक्स्ट डेफिनेशन तो सबसे ज्यादा वाहियात है, ठीक है, और जो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक एक लेवल बढ़ता जाएगा। सर भाई नॉट वन, बिकॉज सिर्फ फॉरेन करेंसी के वजह से, फॉरेन करेंसी इटसेल्फ फॉरेन एक्सचेंज है बेटा आयुष, हमें यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, यहां पे ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चीजें फॉरेन करेंसी नहीं है, दैट्स व्हाई ये पार्ट नंबर टू में आएगा। केस टू का एग्जांपल, अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है रुपीज में, पर फॉरेन पर्सन पीटर को पेबल है डॉलर में, तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया। नेपाल भूटान में बैन क्यों है, मैं इसका आंसर दूंगा प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में, तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए बेटा। एग्जांपल केस नंबर थ्री का, समझो पीटर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जॉन के ऊपर, जो पेबल है श्रीराम को इंडिया में, राम नाम के बंदे को, ठीक है, तो ऑब्वियसली ड्रॉन इन डॉलर पेबल इन रुपीज, एग्जाम्पल थ्री। सर सिर्फ पॉइंट वन एंड टू इजी है, अगर आप ध्यान दो तो पॉइंट थ्री फोर सबसे ज्यादा इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज है और अपोजिट है एक दूसरे के, बस। अब लग रहा है फेमा पटरे करके अभी आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। शुरू, डन एवरीबॉडी, वॉच, हो गया सबका, बोलो हाँ या ना। तो अभी फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन के बाद में हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, जो है फॉरेन सिक्योरिटी। तालिया। चल आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना। एक मस्त रील बनने वाली है, खतरनाक, कंपाइलर 10 मिनट की रील ही बनाता, सब सोए हुए लोग एक साथ ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ या ना। फॉरेन एक्सचेंज के डेफिनेशन के बाद वी आर गोइंग फॉर फॉरेन सिक्योरिटी, आर यू गाइस रेडी? डू यू वांट टू गो मैड? हो जाओ, अब पूरे पागल हो जाओ, लेट्स गो, स्टार्ट करें। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर तुम पढ़ोगे, फिर वापस मैं पढ़ूंगा, फिर वापस तुम पढ़ोगे, फिर चार्ट बनाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर वापस से तुम पढ़ोगे। अपन ने लास्ट डेफिनेशन में ऐसा किया था, इस डेफिनेशन में भी ऐसा ही करेंगे। तो पहले मैं पढ़ूंगा। फॉरेन सिक्योरिटी मींस, फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब होता है
एनी सिक्योरिटी. एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स. यहां पे भी सेम है, उधर चार चीजें इधर चार चीजें. और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी बट वेयर रिडेम्पशन और एनी काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ सच इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन इंडियन करेंसी. घंटा समझ में नहीं आया. चलो एक बार अब तुम पढ़ो अच्छे से प्यार से. वेलकम टू फेमा सिंघम. डन सांगा हो. अब पूरा ध्यान बोर्ड पे फोकस कीजिएगा अच्छे से. पार्ट्स में कर रहा हो वो साथ में कर लेना. फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी. अब तुम बहुत ज्यादा इधर उधर ना उड़ जाओ इसलिए बोला है. इन द फॉर्म ऑफ शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी पार्ट नंबर वन. ये सिर्फ मीन्स वाला पार्ट है. ये सिर्फ कौन सा वाला पार्ट है? मीन्स. मतलब मीन्स ही पहले पार्ट में चलता आ रहा है. एंड के बाद शुरू होता है दूसरा पार्ट जिसको हम प्यार से बोलते हैं इंक्लूड्स. तो इंक्लूड्स सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज, अब वर्ड सिक्योरिटीज यूज किया है. सिक्योरिटीज मतलब ऊपर की ही सब सिक्योरिटीज. बोलो हाँ है ना. अब उन्होंने वापस से सिर्फ नहीं लिखा शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर पर, मतलब तो वही है. Securities expressed in the foreign currency but where redemption or any kind of return such as interest or the dividend is payable in Indian currency part number 2. बूझे समझे? तो समझाते हैं. एक बार मैंने पढ़ा, एक बार तुमने पढ़ा, अब चार्ट की बारी. मार्किंग कर लिया पार्ट्स का? अच्छा. फॉरेन सिक्योरिटी चार्ट रजिस्टर में. फॉरेन सिक्योरिटी, आर यू गाइज रेडा? सो गाइज एंड डबल्स रजिस्टर में लिख रहे हो फॉरेन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का डेफिनेशन है 2O. काय में है बोलो? 2O. ठीक है, डन. फॉरेन सिक्योरिटी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. पहला पार्ट है मींस, दूसरा पार्ट है इंक्लूड्स. मींस और दूसरा पार्ट क्या है? इंक्लूड. बोला गया है कोई भी सिक्योरिटी. अब शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर कुछ भी लिखू ना लिखू कोई फर्क पड़ना है क्या? अगर मैंने यहां लिख दिया मींस एनी सिक्योरिटी तो इसमें सब कुछ आ गया. बोलो हाँ है ना. तो क्या शेयर स्टॉक बॉन्ड डिबेंचर लिखने की जरूरत है? नहीं. तो एनी सिक्योरिटी. बोला है डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी. ये वाला एरिया डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस्ड इन कौन सा करेंसी? फॉरेन. मतलब कोई भी सिक्योरिटी हो अगर वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हो. डिनोमिनेटेड, डिनोमिनेटेड मतलब फॉरेन करेंसी में दी गई हो. जैसे माइक्रोसॉफ्ट का शेयर, टेस्ला का शेयर, एप्पल का शेयर, क्या ये रुपीज में है या डॉलर में है? क्या ये शेयर है? पहली बात तो क्या ये शेयर है? हाँ. क्या ये स्टॉक्स है? हाँ. ये काय में डिनोमिनेटेड है? डॉलर में. तो क्या डेफिनेशन कंप्लाई कर रहे हैं? हाँ. तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर हमारे लिए क्या है? फॉरेन सिक्योरिटी. अब वैसे हमको ऑलरेडी पता है माइक्रोसॉफ्ट का शेयर हमारे लिए फॉरेन सिक्योरिटी है, पर अब डेफिनेशन से भी पता चल गया फॉरेन सिक्योरिटी है. ये फॉरेन सिक्योरिटी है. क्या सेम डिबेंचर्स के लिए लगेगा? क्या सेम बॉन्ड्स के लिए लगेगा?
समझो यूएस के बैंक ने, यूएस ट्रेजरी वालों ने इशू किया गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन डॉलर, तो क्या हमारे लिए फॉरेन सिक्योरिटी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि पहला पार्ट वही कहता है एनी सिक्योरिटी जो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है? डॉलर या उस देश की कोई भी करेंसी। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है पक्का? बोलो यस और नो। ओके, पर एक सवाल है, सिर्फ डिनोमिनेशन से बात होती है, रिडम्पशन रिटर्न से भी बात होती है? अब समझो डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी, बट सवाल है व्हाट अबाउट आरआर? आरआर, आरआर मतलब है, आरआर मतलब रिडम्पशन रिटर्न। आरआर मतलब क्या बोले एक बार जोर से? रिडम्पशन रिटर्न, जो तुम करते हो वो नहीं, ठीक है? सो आरआर क्या बोले एक बार जोर से? आरआर, रिडम्पशन और रिटर्न जो है वो अगर डॉलर में है तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर डॉलर में है तो बहुत अच्छी क्या है बोले बाजू से? बात है। डिनोमिनेटेड इन डॉलर, रिडम्पशन रिटर्न डॉलर। सर सर सर, एग्जांपल दो, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर डॉलर में है, कभी बायबैक होगा तो डॉलर में ही होगा, तो फॉरेन सिक्योरिटी। बोलो हाँ है ना। पर अगर रिडम्पशन रिटर्न आर आर के अंदर से कुछ भी कुछ भी कुछ भी इंडियन रुपीज में है तो हम चले जाएंगे इंक्लूड्स में, तो हम चले जाएंगे इंक्लूड्स में, तो हम काय में चले जाएंगे बोले एक बार जोर से? इंक्लूड्स। समझ में आ रहा है सबको? तो हम चले जाएंगे, जोर से बोलो काय में चले जाएंगे? इंक्लूड। अब जरा इंक्लूड्स वाला पार्ट रीड करो, करो रीड करो इंक्लूड्स वाला पार्ट, बोर्ड पे भी है, बोर्ड से भी रीड कर सकते हो। क्या लिखा गया है? इंक्लूड सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन द कौन सा करेंसी? फॉरेन, बट वे रिडम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड इज पेबल इन कौन सा करेंसी? इंडियन। इसलिए मैंने क्या किया, फॉरेन सिक्योरिटी उठाया, उसमें से फॉरेन डिनोमिनेशन उठाया, उसमें से फॉरेन डिनोमिनेशन का रिडम्पशन रिटर्न अलग किया, क्योंकि वो फॉरेन सिक्योरिटी है। पर फॉरेन डिनोमिनेशन वाली कोई भी सिक्योरिटी जिसका रिडम्पशन या रिटर्न रूपीज में, उसको मैं इंक्लूड्स में लेके आया। मतलब इंक्लूड्स वाला पार्ट एक्चुअली मीन्स वाले में इंक्लूडेड है, बट स्टिल उन्होंने अलग से क्लैरिफाई किया है, स्टिल उन्होंने अलग से एक्चुअली इंक्लूड्स वाला पार्ट सेपरेट करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इतना भी बोलते ना, एनी सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी तो भी इंक्लूड्स उसमें आ जाता था, पर उनको लगा कि बच्चों से ज्यादा पब्लिक को दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने क्या बोला कि भले ही फॉरेन सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, पर अगर रिडम्पशन या रिटर्न काय में है, इंडियन करेंसी में है, काय में है इंडियन करेंसी, तो यहां क्या बोला इंक्लूड में? फॉरेन सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, बट वेयर आर और आर दोनों में से कुछ भी अगर रुपीज या रुपीज में है, रिडम्पशन या रिटर्न में से कुछ भी रुपीज में है, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको फॉरेन सिक्योरिटी बोला जाएगा। मतलब रिडम्पशन रिटर्न से फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेशन से ही फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सो नो। सो रिडम्पशन रिटर्न से फर्क पड़ता है क्या बोले एक बार? नहीं। रिडीम मतलब रीपे करना, रिटर्न मतलब रिटर्न देना, डिविडेंड देना, इंटरेस्ट देना, बोनस देना, दीज आर रिटर्न। रिडम्पशन मतलब रीपे करना, बायबैक करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सो नो। तो एक बार मुझे पूरा स्ट्रक्चर बना के बताओ, ठीक है? फटाफट फटाफट ये छोड़ दो, ठीक है? स्ट्रक्चर बोलो मुझे क्या है। हाँ, फॉरेन सिक्योरिटी टू सबसेक्शन कौन सा? ओ सो फॉरेन सिक्योरिटी इन टू टू पार्ट्स, मीन्स इंक्लूड्स, मीन्स के अंदर एनी सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या? शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी। अब वो फॉरेन करेंसी को डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? दो, आरआर, आरआर, आरआर काय में है? डॉलर, तो फॉरेन सिक्योरिटी है ही। आरआर अगर काय में है? रुपी। मैडम अरे एक्शन करने हैं, चश्मे वाले मैडम और उसके बाजू वाली मैडम, दूसरे की बुक में देखना नहीं है, एक्शन कहां है अपन? रीज एक्शन, एक्शन करो, एक्शन करो, वही मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो अगर रिडम्पशन रिटर्न काय में है? डॉलर, तो फॉरेन सिक्योरिटी है ही। रिडम्पशन रिटर्न काय में है? रुपीस, तो कहां चले गए? इंक्लूड, इंक्लूड में बोला है फॉरेन सिक्योरिटी कोई भी डिनोमिनेशन काय में है, फॉरेन करेंसी, रिडम्पशन या रिटर्न, रिडम्पशन या रिटर्न, रिडम्पशन या काय में है, रुपीस में, तो भी उसको फॉरेन सिक्योरिटी बोला जाएगा। ये हुआ मीनिंग, अब एनालिसिस समझ में आ रहा है? नहीं? हाँ, ये सो तू सोई जा जीवन के अंदर। अब ये है एक डायग्राम, तुम्हारे बुक में सेम टेबल होगा, सबके बुक में टेबल है,
चक्र बुक में टेबल है, बोलो हाँ है ना। क्या चार है? चार ही केसेस है। What the cases? तो कोई बात नहीं, रजिस्टरों में आ जाओ। हाँ चारों में आधे आधे कर दो, चलो होशियार हो तुम, बहुत होशियार, वेरी गुड, हाफ हाफ कर दो चारों में, वेरी स्मार्ट। हा फर्स्ट टाइम मेरे को तुम्हारे आईक्यू पे भरोसा हो रहा है, थैंक्स टू माय जोक्स। हाँ आठ कर, सो आठ केसेस कर दो। कल से ना जिंदगी में एक काम करना, ये सुसु पोटी करके आना, वैसे भी सवेरे का क्लास रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता एक घंटे में ऐसा क्या हो जाता है, दो घंटे में तुम्हारे साथ जो वापस सुसु लग जाती है। कंपल्सरी करके आना, कल से क्लास के बाहर निकलना बैन, तो रंधाने का सवाल ही पैदा नहीं, और अगर निकल गए तो निकल ही जाना, फिर अंदर मत आना, ठीक है? कंपल्सरी करके आना है कल से। सर तुम कुछ ज्यादा रिजिड नहीं हो रहे हो? फेमा नाम मां है, चैप्टर बाप वाला है, दो डेफिनेशन में समझ में आ गया होगा तुमको, और ये सिर्फ शुरुआत है। हाँ नहीं हो रहा तो डायपर पहन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? उसमें बचपन में नहीं पहना था तुमने? बचपन में पहना था ना, तो लाज लज्जा शर्म किस बात की? चलो स्टार्ट करो, बोलो हाँ है ना। अभी भी पहन के आया है, अरे भगवान। चलो स्टार्ट करो, बोलो हाँ है ना। डायपर बोलने का बाजू वाले को देखने की जरूरत नहीं है, लेट्स गो, स्टार्ट करो, बोलो हाँ है ना। आठ कॉलम कर लिया सबने, कॉलम को नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 ने, तो कॉलम बड़े जोश में किया, नंबरिंग किया ही नहीं। चलो स्टार्ट कर देना, देना सो फोकस, प्लीज फोकस, फॉर शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? सबके लिए बात चल रही है, ठीक है? केस नंबर वन, एक्सप्रेस डॉट डिनोमिनेटेड इन डॉलर आर, एक्सप्रेस डॉट डिनोमिनेटेड इन द डॉलर आर, रिडम्शन इन डॉलर आर, रिटर्न इन डॉलर आर, सब कुछ डॉलर आर, ये क्या है? ये फॉरेन सिक्योरिटी कौन से पार्ट में है? पहले पार्ट में है, क्योंकि डेफिनेशन में वही बोला है। ओ, 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 ओ। छांगा हो दूसरा, डिनोमिनेटेड इन डॉलर आ, एक्सप्रेस सॉरी रिडम्शन इन डॉलर आ, रिटर्न इन रूपी, ये कौन सी सिक्योरिटी है? फॉरेन सिक्योरिटी कौन से पार्ट में? दूसरा, नेक्स्ट वाला, एक्सप्रेस्ड इन डॉलर आ, रिडम्शन इन रूपी, रिटर्न इन डॉलर आ, अगेन क्या है? फॉरेन सिक्योरिटी पार्ट नंबर थ्री, पार्ट नंबर टू सॉरी, पार्ट नंबर कौन सा? टू। चौथा, एक्सप्रेस इन डॉलर आ, रिडम्शन इन रूपी, रिटर्न इन इज ऑल्सो इन रूपी, दोनों रूपीज में है, क्या फॉरेन सिक्योरिटी है? हाँ, और बोला है तो एंड टू इंक्लूड होगा ही होगा ना। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाला, एक्सप्रेस इन रूपी, रिडम्शन इन डॉलर, रिटर्न इन डॉलर, क्या फॉरेन सिक्योरिटी है? क्या फॉरेन सिक्योरिटी है? पहली कंडीशन, डिनोमिनेशन डॉलर वाला चाहिए, रिडम्शन रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रास एनी। नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन रूपी, रिडम्शन इन डॉलर, रिटर्न इन रूपी, एक्सप्रेस इन रूपी, रिडम्शन इन रूपी, रिटर्न इन डॉलर, एक्सप्रेस इन रूपी, रिडम्शन इन रूपी, रिटर्न इन, अरे क्या फर्क पड़ता है जब डिनोमिनेशन डॉलर में नहीं है? चारों जगह फुलिया आएगी, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है जिसका डिनोमिनेशन सिर्फ डॉलर में है वही फॉरेन सिक्योरिटी है, नीचे की चीजों से फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेशन डॉलर में चाहिए। ए भिखारी, यहां तक समझ में आया? तो जिनका डिनोमिनेशन डॉलर में नहीं है वो फॉरेन सिक्योरिटी नहीं है, यहां फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन होती है खता। एक बार वापस से आप पढ़ लीजिए, ये जरूरी है, चैप्टर में मां है पर चैप्टर सबका।
और दोनों जगह पे लिख के रखो रेफर द चार्ट फ्रॉम रजिस्टर, नहीं तो पता चला गजनी लोग लिखे हैं चार्ट और भूल गए कि रजिस्टर में ऐसा कुछ लिखा है, और स्टिक नोट होंगे तो ए ए ऑलरेडी लगा होता है तो उसको चार्ट के ए ए ठीक है उसमें और अच्छे से चिपकेगा ना शरडन। चलो लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया, शरडन एवरीबॉडी, बाहर निकाल दूंगा क्लास के अगर गाना बोला तो भी। चलो याद आया सबको बाहर निकलना है, खाली डेस्क बेंचेस को पढ़ाऊ चाहते हो तुम, मेरे को कुछ नहीं एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा मैं, बोल दूंगा ले लिया मैंने खाली लेक्चर्स। शरडन एवरीबॉडी बोलो हाय ना, अच्छा लगा अभी तक के फेमा मस्त है। अभी हम खोलेंगे टाके, रजिस्टर उठाओ, रजिस्टर में नेक्स्ट डेफिनेशन का नाम डालो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तुमने टैक्स वाला पर्सन रेसिडेंट देखा है, आज का लेक्चर और अगला लेक्चर अभी तुमको फेमा का पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया दिखाएंगे। सर ये रेसिडेंट आता क्यों है जीवन में, क्यों रेसिडेंट नहीं चाहिए रेसिडेंट हमको, क्या जरूरत है रेसिडेंट बनने की। पर्सन रेसिडेंट इन, ये डेफिनेशन है, हा दिस इज डेफिनेशन, दिस इज जस्ट डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन टू सबसेक्शन दैट इज वी एंड टू सबसेक्शन डब्ल्यू, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पूरा लिखना है। मैं डिक्टेट करेगा तुमने लिखना है, नहीं प्रिंटेड है बुक में, ऐसा नहीं प्रिंटेड नहीं, प्रिंटेड है राजा फिर भी लिखना है। चलो आर यू गाइस रेडी, उस वो मेरे को दिखा रहा है चिट नोट, बोले इतने इसमें आएगा, साइज देख के क्या लगता है, साइज के हिसाब से चीजें डिसाइड करनी चाहिए बेटा, कब सीखेगा जीवन में तू, पता चला साइज बड़ा लेके छोटा आ गया, अरे चिट नोट चिट डेफिनेशन का साइज बड़ा चिट नोट छोटा लेके आया तो ऑब्वियस सी बात है ना हाँ आना। चलो स्टार्ट करो बोलो हाँ आना, डेफिनेशन लिखना शुरू करना है और सुनो फोकस, डेफिनेशन लिखते वक्त अब बेसिकली डेफिनेशन का टेक्निक मैंने चेंज कर दिया है, पहले मैं इसको रीड नहीं कर रहा, पहले मैं इसको लिखवा रहा हूं क्योंकि लिखते लिखते लॉजिक लगाना है, ड्यूरिंग राइटिंग मेरे को कोई भी बंदा किसी भी दूसरी हरकत में इन्वॉल्व नहीं चाहिए, लिखते वक्त लॉजिक लगाना है, अगर लगाओगे तो जल्दी समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत लंबा डेफिनेशन है। ठीक है शुरू करते हैं, पहले हेडिंग डालो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू सबसेक्शन वी, उसके नीचे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू सबसेक्शन डब्ल्यू, और दोनों के शॉर्ट फॉर्म लिख कर रखो पी आर आई पी आर ओ आई, इसको देखो ही मत छोड़ दो, जस्ट ट्रस्ट मी, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू सबसेक्शन वी पी आर आई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया टू डब्ल्यू पी आर ओ आई। ठीक है अब डेफिनेशन लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर बोलू, स्ट्रक्चर समझ लो कैसा है, उसी स्ट्रक्चर में लिखना है। आर यू गाइज रेडी, स्ट्रक्चर समझ लो, पहले ध्यान पूरा मेरे को बोर्ड पे चाहिए, सिर्फ एक नॉर्मल लाइन आएगा कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस क्या है, फिर उसके बाद में उसमें दो मेन पॉइंट्स आएंगे, चार मेन पॉइंट्स आएंगे, वन टू थ्री फोर, फॉर दैट मैटर फाइव भी ले लो। ठीक अब बेसिकली देखा जाए तो चार में से जो फर्स्ट पॉइंट है वो सिर्फ इंडिविजुअल का है, और टू थ्री फोर जो पॉइंट्स है वो आर्टिफिशियल पर्सन के है, फाइव एज गुड एज है ही नहीं ऐसा समझ लो। सो इंडिविजुअल के अंदर आपको दो पॉइंट मिलेंगे, मतलब इंडिविजुअल का पहला एक लाइन आएगा कुछ, ठीक है, और वो लाइन के बाद में आएगा कैपिटल पॉइंट ए। अब ये नीचे के आर्टिफिशियल पर्सन के पॉइंट्स है तो मैं इनको मिटा देता हूं क्योंकि इनकी अभी जरूरत नहीं है। सो इंडिविजुअल में पॉइंट वन में एक लाइन आएगा, उसके अंदर एक पॉइंट आएगा कैपिटल ए, कैपिटल ए में कुछ लाइन आएगा, फिर आएगा ए बी सी, उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, फिर कैपिटल पॉइंट बी आएगा, उसमें आएगा एक लाइन, और फिर ए
बी सी, ये सिर्फ इंडिविजुअल का डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, इस स्ट्रक्चर में तुमको लिखना है। अब मैं पहला वाला लाइन बोल रहा हूं, दिस वन, ठीक है। एक सिंपल लाइन है, दो लाइन भी नहीं है, सिंगल एक छोटा सा लाइन है, लिखना। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मींस, पॉइंट नंबर वन, एनी पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया, पॉइंट नंबर वन, मतलब ये वाला लाइन, पॉइंट वन वाला, ठीक है। एनी पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन, एनी पर्सन हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लिखते वक्त लॉजिक लगाना प्लीज, हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड नाउ कैपिटल पॉइंट ए, ये वाला कैपिटल पॉइंट ए डैश करके नीचे कैपिटल पॉइंट ए, इंडेंटिंग मेंटेन करना कृपया, कैपिटल पॉइंट ए, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया person who has gone out of India or who stays outside India or who stays outside India in either case dash niche of sub point A, niche sub point small a, लिया सबने सब पॉइंट्स वाले में, फॉर और लिखा, और के बाद ऑन, ओ एन ऑन, लिखो जो बोल रहा हूं वो लिखो, फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, taking up employment outside India or sub point B, second wala B point, for carrying on a business or vocation outside India, वापस से और सब पॉइंट नंबर सी, for any other purpose, where circumstances indicate intention to stay outside India for uncertain period next capital point B
आधे लोग यहां परेशान हो गए। कैपिटल पॉइंट बी, ठीक है, उसके अंदर लिखना अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया, अ पर्सन हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया, पर्सन हु कम्स टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया, इन आइदर केस अदरवाइज देन सब पॉइंट ए, छोटा सा पॉइंट ए। अब जिसको थोड़ा भी लॉजिक जिसने लगाया होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि एबीसी में क्या लिखना है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा अब वो लॉजिक लगा ले, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर का पढ़ के नीचे लॉजिक लगा के ट्राई करोगे तो इमीडिएटली एबीसी स्मॉल में क्या आएगा वो समझ में आ जाएगा। लिख लो फिर चेक कर लेंगे। नहीं, फेमा में मैं सुनता ही नहीं हूं जो बोल रहा हूं वही होगा। लिख लो फिर चेक कर लेंगे। अब जिसने लॉजिक नहीं लगाया वो फंस गया। एक डेफिनेशन में हालत खराब, अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ लिख रहे हैं। और आओ सीए इंटर पे, मेरे को सीए बनना है, अब पैसा कमाऊंगा, दो डेफिनेशन में मेरी ठुक गई है, तीसरी शुरू भी नहीं हुई बेटा। जमरा क्या एबीसी? चलो एबीसी में आना चाहिए, देख लो। लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी। लाइव स्ट्रीम में जो भी जो प्रोसेस में बोल रहा हूं वो छोड़ के कुछ भी करेगा उसको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, अगले एक दो घंटे के अंदर तुम्हारी वाट लग जाएगी और कुछ नहीं होगा। तुम जहां पे भी मैंने बोली हुई प्रोसेस छोड़ के कुछ भी करोगे लाइव स्ट्रीम में, मेरे को मत बोलना बाद में क्वेरी में, मत पूछना कि क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेरी पे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा टेक्स्ट में, जो लाइव पढ़ा के सॉल्व नहीं हो रहा हो टेक्स्ट में तो क्या ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसके अंदर कृपया प्रोसेस में बने रहो, जो खुद का दिमाग लगाएंगे वो खुद के दिमाग से ही पछताएंगे। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ आना, लिख लिया तो चेक कर लो। पॉइंट बी आना चाहिए, पर्सन, पॉइंट कैपिटल बी बोल रहा हूं मैं, अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया और हु स्टेज इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन पॉइंट सब पॉइंट ए for taking up an employment, for or on taking up an employment in India, or for carrying on business or vocation in India, point C, for any other purpose where circumstances indicates intention to stay in India for uncertain period. लिख लिया सबने definition? मुबारक हो, ये सिर्फ आधा definition complete हुआ है, first point, अभी 2, 3, 4 बाकी है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट ही देख लेते हैं। आर यू गाइस रेडी? जोर से बोलो आया ना। चलो स्टार्ट करें। ओके, एक बार डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पॉइंट नंबर 1 ले रहा हूं सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। अब मुझे तो इंडिविजुअल यहां से वहां, वहां से यहां आ जा सकता है, तो डेफिनेशन वैसे बनाई है। अगर कोई भी पर्सन जो इंडिया में, पॉइंट लाइन 1 कहता है, कोई भी पर्सन जो इंडिया में पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है, पिछले, ये अगर
टाइमलाइन है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, ये पिछला फाइनेंशियल ईयर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 182 दिन से ज्यादा, मेरे तरफ ध्यान चाहिए, मेरे को हर एक का उधर बेटा व्हाइट टी शर्ट, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 182 डेज से ज्यादा पीछे, मैडम ब्लैक एंड, मैंने जब बोला मेरे तरफ ध्यान तो मेरे तरफ ध्यान, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 182 दिन से ज्यादा हो तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका स्टेटस रेसिडेंशियल हो सकता है, PRI हो सकता है, हो सकता है, है क्या? तो हो सकता है, कैसे डिसाइड होगा? समझो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा हो, करंट फाइनेंशियल ईयर में बाहर चले गए, बाहर 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 देश, आउटसाइड इंडिया चले गए, काय के लिए? जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए, कोई भी इंटेंशन के लिए जो अनसर्टन पीरियड का है, तो तुम PRI नहीं हो। और यहां के बाद में मैं जो भी बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, पर सुन लो, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा है, पर करंट फाइनेंशियल ईयर में आप इंडिया में आए, अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड, ये छोड़ के किसी भी चीज के लिए आए, तो तुम PRI नहीं हो। जो मैंने बोला वो सही है, इसलिए मैंने बोला पहले कि तुमको समझ में नहीं आएगा। वापस बोलता हूं, बी वाला पॉइंट, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा हो, करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया आए, अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, इंटेंट टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड, तो आप PRI नहीं हो। तो बोर्ड के ऊपर कृपया ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम समझा रहा हूं, ठीक है? जिसको समझ में आया ऐसा लग रहा है वो कृपया सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, तो टैली कर लीजिए, आपको सच में समझ में आया कि मुंडे उन्नी झटको स्ट्रेट बैठो, वेलकम टू गुहा शिंगम, ठीक है, वेलकम टू फेमा शिंगम, सबका ध्यान बोर्ड, मुंडे उन्नी झटको स्ट्रेट, ठीक है, एक बार पिटी कर लो, भिषाम, पीटी पीटी कर कर पीटी कर, ये कौन सी पीटी है ये बेटा? पीटी कर, चुस्ती स्फूर्ति रहती है, ध्यान देना, ए डालेक, अच्छा सोचो भिखारी लोगो, पूरा ध्यान बोर्ड पे, खुद भी बोलते बेकार लोग है यार ये, फोकस फोकस, आर यू गाइस रेडी? सब जन रेडी है? ध्यान देना, सबसे पहले मैंने लिया है इंडिविजुअल, क्या लिया है बोले एक बार उसे, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की ही डेफिनेशन है, पॉइंट वन, इंडिविजुअल से आर्टिफिशियल पर्सन को फिलहाल हम देख नहीं रहे, क्योंकि उसको जब देखेंगे तब देखेंगे, फिलहाल इसको देख रहे। अब इंडिविजुअल की बात चल रही है, क्या इंडिविजुअल इंडिया में पिछले साल 182 दिन से कम रह रहा है, लेस देन और इक्वल टू भी, क्योंकि मोर देन चाहिए हमको, अगर पिछले साल इंडिया में 182 दिन से कम रह रहा है तो ये दोगलापन है, ये देश का नागरिक नहीं है, ये बाहर भी रह रहा है, इंडिया में भी रह रहा है, तो ये PRY है, ये दोगलापन है, PRY है, NRI है, नॉन रिक्वायर्ड इंडियन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, हाँ या ना। सो अगर पिछले साल 182 दिन से कम तो ही इज अ PRY, ये कंफर्म है, मतलब पहले ऐसे बॉर्डर पे खड़े रहने का, इधर बॉर्डर है, ठीक है, बंदा अंदर आना चाहता है, उसको बोलने का पिछले साल कितना, वो बोलेगा 130 दिन, आ सकता है पर अतिथि, PRONRI, नॉन रिक्वायर्ड, नॉन रेसिडेंट, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले यस और नो, अरे बोले यस और नो, उसको पूछो आप उसे कितने दिन, बोले 190 दिन, हाँ मेरे भाई, आई लव यू, समझ में आ रहा है? सिर्फ भाई को समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले यस और नो, नहीं तो लेट्स गो।
सो पिछले साल 182 इनसे कम है, स्टेटस पीआरओ है। अगला सवाल पूछेंगे ही नहीं कि आरईआई की जा रही है, उसको पूछो कितने साल बोल रहा है, कितने दिन, वो 130 दिन, पर मैं इंडिया में आ रहा हूं जॉब के लिए। पिछले साल कितने दिन, 130, अब तू जॉब के लिए आया, भजन के लिए आया, घूमने फिरने के लिए आया, हनीमून के लिए आया, सिर्फ मून के लिए आया या सिर्फ हनी के लिए आया, तो भी स्टेटस क्या, पी आर ओ आई। यहां तक समझ में आया, जोर से बोले सुनो। पर अगर वो बोला नहीं मैं तो 182 दिन से ज्यादा आ रहा हूं, मोर देन 182, उसको कितने दिन पीछे, 182 दिन, अब पूछो उसको 182 दिन आरिया है कि जारिया है, आरिया है कि जारिया है, देश के बाहर जारिया है या देश के अंदर आरिया है, समझ में आ रहा है। अगर वो कहता है, फोकस, अगर वो कहता है ही इज कमिंग टू इंडिया, पॉइंट नंबर बी है, हाँ ये कंफ्यूज मत होना, एंड ही इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, ये पॉइंट ए है, ही इज कमिंग टू इंडिया और ही इज गोइंग, इफ ही इज कमिंग टू इंडिया और वो देश के अंदर आ रहा है, कौन सी चीजों के लिए, ध्यान कौन सी चीजों के लिए, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन, कैन आई से देम स्पेसिफाइड पर्पजेस, एसपी मतलब स्पेसिफाइड। सो इंडिया पूछो क्यों आ रही है, 182 पिछले साल था तो मेरा भाई है, पहले तो एक बार सब जन करो, मेरा क्या है, भाई है, ठीक है सब जन एक बार, क्या है, मेरा भाई है, सामने वाले को पकड़ लो, चाहिए हाँ नहीं नहीं, सो मेरा क्या है सब जन, वो एक बार भाई है, बोलो आया ना, फिर पूछो आरिया है कि जा रही है, वो बोल रहा कि यार बाहर गया था, आरिया हूं, कल के लिए आरिया है भाई, वो बोल रहा जॉब के लिए आ रहा हूं, बिजनेस के लिए आ रहा हूं, इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड है, मतलब क्या ये बंदा इंडिया में आके जॉब करेगा, क्या बिजनेस करेगा, बिजनेस जॉब करेगा तो क्या इंडिया के जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और अगर इंडिया के जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या देशवासी हुआ, देशद्रोही हुआ। तो जो भी बंदा इंडिया के जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो देशभक्त और देशवासी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ जोर से बोले एक बार ऐसा ना, तो इसका स्टेटस क्या होगा, तो इसका स्टेटस क्या होगा, पी आर आई। पर वही अगर पिछले साल 182 दिन था बाहर जॉब करने के लिए चला गया, पिछले साल 182 दिन था भाई, हाँ पर बाहर क्या करने के लिए चला गया, जॉब, इस बार वापस आ रहा है, हमने उससे पूछा क्यों आ रहा है वापस, क्यों, बोले कुछ नहीं शादी हुई, बीवी को इंडिया दिखाना है, बीवी रशियन है, तो पहले तो उसको बोलो रिस्की है, पहले उसको क्या बोलो, रिस्की, रशियन को इंडिया ला रहा है रिस्की, अरे बोलो आया ना, फिर भी वो चाहता है नहीं, टूरिस्ट को इंडिया दिखाना है, सब जगह घुमाना है, तो क्या ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आ रहा है, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आ रहा है भाई, जॉब के लिए आ रहा है क्या, नहीं, बिजनेस के लिए आ रहा है क्या, नहीं, इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया अनसर्टेन पीरियड है क्या, नहीं, घूमेगा फिरेगा वापस जाएगा, ये क्या इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं, क्या इंडिया की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये बाहर लोगों के, गोरे लोगों के ग्रोथ में, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर, क्या इसे देशवासी मानेंगे, देशद्रोही मानेंगे, क्या मानेंगे, पी आर ओ आई, समझ में आ रहा है, जोर से बोलो, जो रशियन आ रही वो भी पी आर ओ आई से, वो पी आर आई नहीं है, भिखारी, वो मैं उसको पी आर आई बनाऊंगा, बोल रहा है नाला, हाँ प्यारी है, बहुत प्यारी है, आगे, सो नेक्स्ट वन, इव अ पर्सन, अब ये हो गया कौन सा, कम्स टू इंडिया वाला, कौन सा वाला, कम्स टू इंडिया, अब बाहर जाने वाला बंदा पिछले साल 182 दिन इंडिया में था, करंट ईयर में उसको पूछा बाहर जा रहा है, बोले हाँ मैं बाहर जा रहा हूं, क्यों जा रहा है, बोले बाहर जॉब लग गई, बाहर बिजनेस लग गया, बाहर जाऊंगा लंदन में वड़ा पाव की गाड़ी डालूंगा, लंदन में कौन सी गाड़ी डालूंगा, डाल सकता है, कोई भरोसा नहीं है, समझ में आ रहा है, क्यों तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या साक्षी डाल सकता है वो गाड़ी लंदन में वड़ा पाव की, ठीक है, सो ये चीज को याद रखना, इफ पर्सन इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, काहे के लिए जा रहा है, जोर से बोलो स्पेसिफाइड पर्पस, मैडम ओ मैडम स्पेसिफाइड पर्पस, बाहर देश जा रहा है वड़ा पाव की गाड़ी, ठीक है, बाहर बोलो काय के लिए जा रहा है, वड़ा पाव की गाड़ी, जोर से बोलो काय के लिए जा रहा है, वड़ा पाव की गाड़ी, स्पेशल पर्पस, पिछले साल ये भाई था अपना, भाई करो एक बार, भाई है, अरे जोर से करो भाई है, जो नहीं करेगा उस दिन भी नहीं कर पाएगा, बोलो भाई है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, सो सबसे पहले करो क्या है, बोलो एक बार, जो से भाई है, बाहर जाके वड़ा पाव की गाड़ी डाल रहा है, पर मुझे एक बार बताओ, लास्ट ईयर भाई था, इस बार जीडीपी में किसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, गोरे लोगों के जिन्होंने हमारे ऊपर 150 साल राज किया उनके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी हिम्मत देश को धोखा देके बाहर लोगों को पैसा कमा के दे रहा है, उनका टैक्स पे कर रहा है, क्या है ऐसे बंदे को,
पीआर है या पीआर हुआ है? स्टेटस पीआर हुआ है, पीआर ओ, समझ में आया। पर अगर उससे पूछा भाई पिछले साल 182 रन इंडिया में, भाई भाई करो भाई, मैं बता रहा हूं इसकी प्रैक्टिस करो, बाद में होगा नहीं तुमसे। एक बार सब जन रेडी, 1 2 3 बोलो भाई, जोर से बोलो भाई, तो पिछले साल 182 रन भाई है। इस साल पूछा क्यों जा रहा है, बोले अभी अभी शादी हुई तो बाहर में मॉरिशस घूमने जा रहा हूं। तो पूछो मॉरिशस में आके क्या करेगा, जॉब करेगा? जॉब तो वैसे बहुत करूंगा पर ये वाले नहीं, मतलब अरे अरे आई मीन टू से अरे मतलब वर्क जो अरे तुम समझो, तो जॉब करेगा? बोले नहीं। बिजनेस करेगा? नहीं। तेरा इंटेंशन अनसर्टेन पीरियड का है? बोले डिपेंड, नहीं नहीं डिपेंड नहीं करता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये सुबह का भूला है, कभी ना कभी तो बोर हो जाएगा ना, कितने दिन करेगा, वापस भी तो आएगा। तो सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला कहते हैं क्या? उसे क्या कहते हैं? पी आर आई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जोर से बोले सर नो, आइडिया क्लियर है? तो लॉजिक बेसिस पे स्टेटस समझ में आया क्या? डेफिनेशन कहीं तेल लेने, लॉजिक बेसिस पे समझ में आया? जोर से बोलो हाँ या ना। अब जो डेफिनेशन लिखी है उसको इस डायग्राम से कंपेयर करो, जो भी डेफिनेशन लिखी है जरा डायग्राम से कंपेयर करो, झेपिया नहीं झेपिया, झिपरा नहीं झिपरा, मजे करेगा वो लिख रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताए, सर बहुत तेज नींद आ रही है, वहां पे भी आएगी बेटा? डेफिनेशन को कंपेयर करना है इससे, डेफिनेशन को इससे कंपेयर करना है, डेफिनेशन को इससे। वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेद निर्मा, रंगीन कपड़ा खिल खिल, सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। चलो डन एवरीबॉडी, डेफिनेशन को कंपेयर कर लो पहले। डन एवरीबॉडी, सबने कंपेयर कर लिया डेफिनेशन को? बोलो हाँ या ना। पर तुमको नहीं समझा होगा, अगर तुमको समझा तो पॉइंट बी कैसे समझाओ मेरे को बताओ जरा, पॉइंट बी कैसे समझ में आया? ये जो है पॉइंट बी में ये जो पी आर आई और पी आर वाई लिखा, ये कैसे समझ में आया बताओ? ये आ ही नहीं सकता, मेरे बगैर समझ में आ गया तो मतलब हो गया काम। मैंने क्या बोला, कम्स टू इंडिया फॉर जॉब बिजनेस वोकेशन एक्सेट्रा इज अ पीआर आई, बोलो हाँ या ना, एंड कम्स टू इंडिया फॉर टूरिज्म इज अ पीआर आई। अच्छा लॉजिकली ये सही है, पर डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है, अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया, देखो अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया, अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन, अदरवाइज देन नीचे की चीजों के लिए आया है, मतलब जॉब बिजनेस वोकेशन वगैरह के छोड़ के किसी चीज के लिए आया है तो पीआर आया है, बोल रहे ना वो तो पीआर हुआ है। कैसे? डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन, वापस बोलता हूं, डज पीआर आई डज नॉट इंक्लूड अदरवाइज देन फॉलोइंग, पीआर आई में इंक्लूड नहीं होता नीचे की चीजें छोड़ के, पीआर सब जन करेंगे, पीआरआई में इंक्लूड नहीं होता नीचे की चीजें छोड़ के, वापस पीआरआई सब जन एक्शन करेंगे, पीआरआई में इंक्लूड नहीं होता नीचे की चीजें छोड़ के, मतलब नीचे की चीजें छोड़ के पीआरआई में इंक्लूड नहीं होता, मतलब नीचे की चीजें पीआरआई में इंक्लूड
आर यू गेटिंग इट? सो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जिनको नहीं समझा वो ये बोलते रहो बार बार, ये आसान नहीं है मैं मानता हूं, बोल दे रहो PRI में इंक्लूड नहीं होता नीचे की चीजें छोड़ के, नीचे की चीजें छोड़ के इंक्लूड नहीं होता, मतलब नीचे का इंक्लूड होता है। और नीचे क्या लिखा है? इंडिया में जॉब के लिए आया, बिजनेस के लिए आया, इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया अनसर्टेन पीरियड। समझ में आया? बोलो हाँ, तो अभी नींद से जागा और अभी बोल रहा है समझ में आया? अच्छा समझ में आया पक्का, बोलो हाँ आया ना एवरीबडी, यस और नो? कितने लोगों को अदरवाइज देन डज नॉट इंक्लूड समझ में नहीं आया, हाथ रेस करो। चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चीज को याद रखना, डेफिनेशन का पहला पार्ट खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ मैंने टेक्स्ट को रीड किया है, अभी डेफिनेशन समझाया भी नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ टेक्स्ट जो कहता है वो मैंने तुम्हें बताया है, कल अपन इस डेफिनेशन को छिन्न विछिन्न करेंगे, ठीक है? अभी हम करेंगे आंसर राइटिंग। कम ऑन, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? मेरे को सीए बनना है, अब पैसा कमाऊंगा, अब फटी पड़ी है। चलो आ जाओ नाला के लोग, जिंदगी बर्बाद हो गई सर, जिंदगी बर्बाद। एक डब्बे से जाओ, बाद में सब सर्वर, सब बाद में, सब बाद में, बाय बाय। कल मैंने क्वेश्चन यार खोला था ना, मैं खोला था क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दो तीन चार पांच, पांच क्वेश्चन लॉ का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई ना किसी ने, तुम रहो सारा दिन इन द क्लास, क्लासेस करो लगातार, एक आधा सब कर लेते हैं, तुम करते हो क्लासेस चार, पांच क्वेश्चन काम मेरा ना मुझको कोई नेहा। वाई इज कोलावर रेडी? खुल जा सिम सिम, हाँ
एक काम करना, नोट्स ओपन नहीं हो रहे, जीडीपीडी वालों के लिए फेमा के पहले जो चार क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चनर में वो सॉल्व करना, लाइव स्ट्रीम और फेस टू फेस वालों के लिए मैं ग्रुप के अंदर क्वेश्चन फोटो निकाल के ड्रॉप कर दूंगा, चार कृपया सॉल्व करके आना, कल से होमवर्क चेक होगा। और फेमा कृपया फेस टू फेस ही अटेंड करना होमवर्क करके, जो बंदा अगले 6-7 दिन तक के कंसिस्टेंटली क्लास करेगा उसके 16 मार्क पक्के हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। आज के लिए काफी करते हैं, सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। पर याद रखना फेमा के नाम में माँ है पर चैप्टर सबका, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू।